Assalamualaikum. शहर इस्लामाबाद रावल पिंडी के अलावा इस वक्त जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां वहां पर मौजूद तमाम सुनने वालों की समातों तक सलाम के बाद मोहब्बतें खुलूस और सबसे बढ़कर हम का पैगाम पहुंचे। उम्मीद उस रब उस खालिक कायनात उस मालिक उस राज़िक और उस दाता से कि आप सुनने वाले खैरियत से आपके मिजाज अच्छे और मूड्स एकदम आला होंगे। हर बुध और जुमेरात को 8 से 10 शहर इस्लामाबाद से बिल्कुल बराह रास्त मुलाकात हुआ करती है। रिजवान फारूक आज के प्रोग्राम के लिए मुझे मौनत फराम करेंगे और आप सुनने वालों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने ITP 92.4 FM इस्लामाबाद को ट्यून किया। हम आपके सफर में आपके साथ चलेंगे क्योंकि हम आपका भला सोचते हैं। रफ्तार को बहुत मुनासिब रखिएगा और हमेशा की तरह से आपसे गुजारिश यही है कि चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजा के अगर आप अपने सफर को जारी रखेंगे तो ये सफर आपके लिए उर्दू का सफर साबित होगा ना के अंग्रेजी का सफर। मैं हमेशा प्रोग्राम करने के लिए जब अपने घर से जहां पे मैं रहता हूँ यहाँ तक आता हूँ तो मैं अपने आप के साथ ये बात जरूर सोच रहा हूँ कि कम से कम आज के प्रोग्राम में मैंने कुछ एक आध ऐसी बात जरूर करनी है जो मुझे लगे कि मेरे अंदर की बात हो, जो मुझे लगे कि जो मेरे मामूलात हैं, जो मेरा पूरा एक दौरानिया गुजरता है जहां पे मैं काम करता हूँ जिन लोगों से मैं मिलता हूँ तो उन तमाम बातों में से उन तमाम मामलात में से मैं कोशिश करता हूँ कि कोई एक ऐसी बात जरूर पिक करूं और मैं वो इस रेडियो के माइक्रोफोन के जरिए से आप सुनने वालों के साथ शेयर जरूर करूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो बात किसी न किसी तरह से कुछ थोड़ी बहुत अहमियत जरूर रखती है। अगर कुछ चीजें मुझे अहम लगती हैं और अगर मुझे लगता है कि जिंदगी की बहुत सारी पहेलियां मुझसे नहीं सॉल्व होती, बहुत सारे ऐसे पजल्स हैं जो कि मेरी जिंदगी को मजीद पजलिंग बना देते हैं, दो आई नो अबाउट अ नंबर ऑफ थिंग्स यू नो, शायद मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझाने में बहुत माहिर हूं लेकिन उसके बावजूद देर आर एरियाज इन माई लाइफ दैट स्टिल नीड सम अटेंशन और वो अटेंशन शायद मैं उनको दे सुर से नहीं सक रहा क्योंकि जब मैं बात अपने बारे में कर रहा होता हूँ, जब मैं अपने बारे में सोच रहा होता हूँ तो बहुत सारी बात करने या बहुत सारी बातें समझाने खुद अपने आप को मुझे लगता है कि भाई मुझे मुश्किल महसूस होती है क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमारा जो नजरिया होता है, जो हमारे चश्मे होते हैं वो अपने लिए कुछ और होते हैं और दूसरों के लिए कुछ और होते हैं। जिस तरह पड़ोसी मुल्क की एक फिल्म में दिखाया गया था, बल्कि बताया गया था कि एक डॉक्टर वैसे कितने सारे लोगों की सर्जरी करता है लेकिन अगर उसके घर का कोई बंदा उसके सामने बेड के ऊपर पड़ा हो एंड इफ ही सपोज टू ऑपरेट हिम और हर और देम और हूएवर दे आर बट दे आर वेरी क्लोज टू हिम, बल्कि उसके खानदान में कोई उसके बहुत करीबी, कोई उसके जानने वाले, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसका हाथ काम पे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो थोड़ा सा जो अपना उसका प्रोफेशन है, जो उसकी टीचिंग्स हैं, राइट, जो उसके बताए गए उसूल हैं, जो बनाए गए रूल्स हैं, उनसे थोड़ा बहुत डेविएट जरूर करेगा। क्योंकि जब बात खुद अपने आप के ऊपर आती है तो फिर मैंने कहा ना कि हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। यही तो हमें चाहिए होता है, यही तो हमें चाहिए होता है इंसान बनने के लिए। इंसानियत मेरे हिसाब से यही है कि जब आपका चुनाव, आपका इंतखाब अपने लिए और दूसरों के लिए एक जैसा हो जाए सो दैट प्रूव्स कि आप सही तौर पे इंसान बन चुके हैं। खैर एनीवे, व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट आउट ऑफ माय डे टुडे वाज यू नो अ वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली एंड उस वक्त में मैं अपने घर वालों के सामने वैसे ही बनूंगा जैसे मैं बाहर लोगों के सामने हूं।
मतलब मैं रिजर्व नहीं रहूंगा, आई विल बी वेरी मच वोकल इन फ्रंट ऑफ देम, जो मेरे जहन में चल रहा है, जिस तरह या जिस ईज या कंफर्ट के साथ मैं बाहर लोगों के साथ होता हूँ, यू नो, विद दैट डिवोशन, विद दैट वे ऑफ एक्सप्रेशंस, आई विल एक्सप्रेस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, राइट। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, खुद अपने बारे में अगर आप सोचें, तो आपको ये बात जरूर महसूस होगी कि आप घर से बाहर जितने क्रिएटिव हैं, आप घर से बाहर जितने ज्यादा एनर्जेटिक हैं, आप जितने ज्यादा खुश हैं, राइट, जितनी ज्यादा महफिल की आप जान घर से बाहर हैं, अगर उसका हाफ भी आप अपने घर में बन जाएं, जिस तरह से आप दोस्तियां घर से बाहर निभाते हैं, अगर उसी तरह से दोस्तियां निभाना आप घर में शुरू कर दें, राइट, यू रिमूव, यू मिनिमाइज दोस डिस्टेंसेस दैट यू हैव इन बिटवीन, राइट, दैट डिस्टेंस दैट आई डोंट नो हाउ गॉड क्रिएटेड इन अवर लाइव्स, यू नो दैट इन अ वे मेकिंग अस अ बिट अवे फ्रॉम ईच अदर इन अवर फैमिली, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम अपने घर में किसी से दूर रहे ना रहे, लेकिन कम से कम अपने अब्बा जी से हमारा एक रख रखाव का एक फासला जरूर होता है, है? अब इज्जत और एहतराम का ताल्लुक इस बात से नहीं है या ये अपने अब्बा के सामने खड़े होके उनके जहां वो नशिस्त रखे हुए हैं, जहां पे वो बैठे हुए हैं, वहां से चले जाना, अगर आपको लगता है कि यही एहतराम है तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल गलत हैं। मेरे हिसाब से उनके एहतराम में खड़ा होना दैट इज वेरी मच नीडेड, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप खड़े होके अपने अब्बा जी से गले मिलें, उनके साथ बैठें और उनको वक्त दें, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आप उनसे उनके दौर के किस्से कहानियां शेयर करें, राइट, क्योंकि यू नो हमारे बड़ों को एहसास होता है कि हम इस नए दौर में, इस जदीद दौर में, नए दौर के नए बच्चों के दौर में हम शायद चल नहीं सकते, शायद हमारी रफ्तार बहुत कम है, ये दुनिया बहुत तेज हो गई है, तो हमने अपने वालिदैन और खासतौर पे अपने अब्बा जी को ये एहसास दिलाना है कि अब्बा जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अभी भी हमारी तरह हैं, हम अभी भी आपकी तरह हैं। जी हाँ, अब्बा जी दुनिया जदीद हो गई है, मुख्तलिफ गैजेट्स आ गए हैं, मुख्तलिफ अप्लायंसेज, मुख्तलिफ मशीनें हमारी जिंदगियों में सराहियत कर चुकी हैं, लेकिन इवन देन इंसान तो वही है, रिश्ते तो वही हैं। अब्बा जी आप मेरे साथ शेयर करें अपने दौर की कहानियां, आप मुझे बताएं कि आपके बचपन में क्या होता था, आप मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या था, आप अपने अब्बा जी को बताएं, अब्बा जी याद हैं एक दफा आप मुझे हाथ पकड़ के आपने मुझे मेला दिखाया था, आपने मुझे चलना सिखाया था, जब आप अपने बच्चों के लिए खिलौने लेके आ रहे होते हैं तो उसी वक्त में अपने माँ बाप के साथ बैठ के उन्हें बताया करें कि अब्बा जी अम्मा जी आपको याद है आप एक दफा मेरे लिए रिमोट से चलने वाली गाड़ी लेके आए थे, अब्बा जी अम्मा जी आपको एक दफा याद है आप मेरे लिए तीन पहियों वाली साइकिल लेके आए थे, यू नो दिस इज द वे कि जिनके जरिए से हम अपने घर में जो फासले या फासलों से ज्यादा जो दूरियां हैं वो हम कम कर सकते हैं, और दूरियों को कम करने की बहुत जरूरत है। एक लतीफा जिसका जिक्र मैं कई दफा कर चुका हूं, मैंने इसको खैर लतीफे के जुमरे में आज तक शामिल नहीं किया और ना मैं इसको कंसिडर करूंगा और ना मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको लतीफे के तौर पे लें, बल्कि इट हैज गॉट अ मैसेज इन इट, यू नो, और वो मैसेज यही है, बल्कि उस लतीफों को बयान करके बता के मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि एक दफा एक घर का इंटरनेट या जो वाईफाई है वो काम नहीं कर रहा था, तो उस घर में रहने वाला एक लड़का मजबूरन कुछ टाइम के लिए अपने माँ बाप के साथ बैठ गया, एंड देन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज एक्सप्रेसिंग एंड ही वॉज शेयरिंग दैट द वन न्यूज आउट ऑफ हिज लाइफ विद हिज फ्रेंड्स कि भाई मैं आज लंबे अरसे के बाद अपने माँ बाप के साथ बैठा और बहुत अच्छे लोग हैं, यू नो मे बी के लोग इसके ऊपर हंसे हों, मे बी के लोगों को ये लतीफा लगा हो, लेकिन टू मी इट वॉज रियली अ मैसेज। Anyway,
अपनी रफ्तार को बहुत मुनासिब रखिएगा। अगर आपके साथ गाड़ियों में बच्चे मौजूद हैं तो उनकी मुस्कुराहट को देखें, उनकी मासूमियत को देखें। जिस तरह से आपको अपने बच्चे अजीज हैं, उसी तरह से और बहुत सारे लोगों को उनके अपने बच्चे अजीज हैं। जितने सारे लोग जो आपको सड़कों पे नजर आ रहे हैं, जो आपके साथ पैरेलल गाड़ियां चला रहे हैं या जो सड़क क्रॉस कर रहे हैं, दे ऑल हैव बिलोंगिंग्स टू पीपल, दे हैव एसोसिएशंस, दे हैव लिंक्स, दे हैव रिलेशनशिप्स विद पीपल, राइट। इनके घर में कोई माँ है, इनका भाई है, आपके अपने घर में माँ बाप है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं। थिंक अबाउट ऑल ऑफ देम। अभी खुद आते हुए गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ था, अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था, पीछे बच्चे थे। अब आई डोंट नो, उनके आपस में कोई गुफ्तगू थोड़ी शदीद हो गई। मैं साइड पर इधर खड़ा, भाई मेरे ऊपर गाड़ी मोड़ने लगे। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो भाई, हमारी गरीबी की ये सवारी है तो हमारा जरा ख्याल करें। लेकिन खैर anyway, अपनी ड्राइविंग के दौरान में, अपने सफर के दौरान में कोशिश जरूर ये किया करें कि एक खुशगवार किस्म का माहौल रखें, ठीक है। और जितने सारे लोग शादीशुदा हैं, और मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि भाई सासें या सासिज रियल में इस तरह की होती हैं जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क के ड्रामों में दिखाया जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके घर में या आपके जानने वालों में से, या लेट्स सपोज योर सास, राइट, अगर उनका आपको, अगर उनका कॉल आ रहा है और आपको लगता है कि भाई कोई रोला है, टेलीफोन पर कोई रोला होने वाला है, सो बेटर इट इज कि आप कॉल ही ना उठाएं, हैं, ड्राइविंग खत्म कर लें, किसी जगह पार्क में बैठें, बेंच पे बैठ जाएं, किसी बाजार में नुक्कड़ चौराहे कहीं पे भी खड़े हो जाएं, फिर बात करें। जी सासो मां अभी बताएं, मैंने बता दूंगा। 818 दिस इज हानी, मैं बुध और जुमेरात को आता हूं। मैं आपकी लाइव कॉल 8:30 के बाद शामिल करूंगा। सीट बेल्ट बांध के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, एंड प्लस बिफोर यू नो हॉपिंग इनटू योर कार्स, यू हैव मेड वन थिंग वेरी मच श्योर कि आपके पास एक वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हु राइड्स, आई मीन पीपल हु राइड और हु ड्राइव, व्हाटएवर द वर्ब और टर्म यू फाइंड एप्रोप्रिएट यू कैन यूज, बट आई बिलीव इट्स गुड टू गो विथ राइड इंस्टेड ऑफ ड्राइव, राइट। So this is my assumption, किसी भी चीज के ऊपर जब आप घोड़े की तरह से बैठते हैं, so it's good to call it riding instead of driving. Anyway, so what I was saying, कि अगर आप लोग मोटरसाइकिलें चलाते हैं तो एक एक हेलमेट होता है, एक टोपी होती है बड़ी सख्त किस्म की, and we call it helmet, right? So उसको पहन के, उसको बाकायदा अच्छी तरह से बकल अप करके, और ग्लव्स वगैरह पहन के, और एक अच्छी सी जैकेट पहन के ताकि आपको सर्दी ना लगे, अगर ये तदाबीर, ये एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करते हैं, सो आई एम श्योर कि अगर आप एहतियात से चलते रहें तो इंशाल्लाह कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, राइट। एक जरा सी गलती हमारे लिए बाद में बहुत सारे पछतावे, बहुत सारी मुश्किल और बहुत सी परेशानी और तकलीफ की वजह बन सकती है, सो बी केयरफुल। हमारे साथ रابطے का नंबर 0519263184। अगर आप अपने, चलें दोबारा से बता रहा हूँ, 0519263184। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो आ जाए ना facebook.com/ITPFM। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गाइस आर रिजाइडिंग आउटसाइड अवर कवरेज एरिया एंड यू जस्ट डाइंग टू लिसन टू अस, देन इन दैट केस यू गॉट अवर वेबसाइट जिसका मुकम्मल पता है www.itpfm.pk। आज सुनने वालों से क्या पूछा जाए, दैट्स वेरी मच सिंपल। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं अपनी जिंदगी में से कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ जरूर माइक्रोफोन के इस पार से शेयर करता हूं, लेकिन मैं ये बताता नहीं हूं कि वो मेरी जिंदगी में से हैं, यू नो वो शायद उन फीलिंग्स में से हैं जो कि आज कल मेरे जहन पे हैं, उन सोचों में से हैं जो आजकल मेरे जहन के ऊपर या मेरे दिमाग के ऊपर सवार हैं। सो यू नो दिस पीस ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैव गॉट आउट ऑफ माय थॉट्स दीस डेज अबाउट दिस वेदर, यू नो, सो उस हवाले से मेरा एक सवाल है, इट कम्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम देयर।
You know, there are people who find this extreme kind of winter very much depressing. They believe that this weather, you know, this squeezes down our days, you know, by shortening them. हम सुबह उठते हैं अंधेरे में और थोड़ा सा वक्त होता है और उसके बाद फौरन शाम थोड़ी सी और उसके बाद रात हो जाती है. सो वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम टू कोप अप विद थिंग्स, यू नो, टू मीट, यू नो, अवर लाइबिलिटीज, टू मीट अवर, यू नो, ऑब्जेक्टिव्स, अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी डू ऑन रूटीन बेसिस. हमें लगता है कि हम उनको मुकम्मल तौर पर नहीं कर सक रहे बिकॉज वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम. That depresses us. So, सूरज से हमें लगता है कि सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है. एंड मे बी देयर कुड बी सम मेडिकल और बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन टू इट. मे बी आपका ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है या देयर कुड बी अ नंबर ऑफ रीजंस. आई डोंट नो इफ दे आर वैलिड, इफ दे आर रियल और नॉट. लेकिन कुछ वो भी वजूहत हो सकती हैं. लेकिन मेन वजह यही होती है कि हमें लगता है कि हमारे दिन बहुत छोटे हैं. तो हमेशा जब हम कल के लिए कोई काम छोड़ते हैं तो आज रात को मुझे टेंशन होगी, आज रात आपको टेंशन होगी कि यार कल इतना छोटा सा मुख्तसर सा दिन है तो उसमें मैं किस तरह से ये टास्क, ये काम मुकम्मल करूंगा. सो दिस, यू नो, देन अल्टीमेटली मेक्स अवर टाइम, यू नो, मेक्स दिस वेदर वेरी मच डिप्रेसिंग फॉर अस. सो अगर आपको लगता है कि सर्दी का मौसम डिप्रेसिंग है, आपको डिप्रेस कर देता है, डिप्रेशन में मुब्तला कर देता है, यू नो, सो यू नो हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज डिप्रेशंस, राइट? There could be at least some doings जिनकी वजह से हम इस सर्द मौसम में थोड़ा सा इजी महसूस कर सकते हैं. यू नो बहुत छोटे छोटे काम हो सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल बाई अडॉप्टिंग अ हॉबी, यू नो, वी कैन चेंज द पैटर्न ऑफ अवर लाइफ इन मौसम सर्दा, यानी कि मौसम सर्मा. What am I saying? So, इसके ऊपर नाना नानी और दादा दादी किस्म की बातें लेके आप लोगों ने नहीं आना कि नहीं जी मौसम तो सारे अच्छे. अरे भाई, आई अंडरस्टैंड मौसम सारे अच्छे होते हैं. इन सपोर्ट टू एवरीथिंग दैट आई से, आई हैव गॉट मोर वर्ड्स देन यू गाइस हैव, राइट? मेरे पास अल्फाज बहुत सारे होंगे, मेरे पास शायद डेफिनेशन बहुत सारी होंगी, जस्टिफिकेशन बहुत सारी होगी. लेकिन अगर मैं कोई सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके लिए रखता हूँ, सो दैट इज मेंट टू motivate you guys to come in and at least take your participation by adding or sharing your thoughts and your ideas with me. So, you know, yahi matlab hota hai mera sawal puchne ka. So, is wajah se, aapse main yahi expect karta hun ki jo main sawal jis context mein puch raha hota hun, aap usi ke accordingly mujhe jawab dein. So, sawal mera ye hai ki kya aapko lagta hai ki sardi ka mausam aapke liye depressing hota hai, ki ye aapko depression mein mubtala kar deta hai, you know, aap thoda bhari mehsoos karte hain, you feel very much uneasy and you're so uncomfortable with this weather. If you guys think so aap share kare. और जितने सारे ऐसे लोग जो नफी इख्तियार करेंगे, जो ना कहेंगे और उन्हें लगता है कि नहीं भाई, मौसम सर्मा इज नॉट डिप्रेसिंग, सो आप अपने मौसम को, इस सर्द मौसम को किस तरह से एनर्जी से भरपूर मनाते हैं. यू नो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट समथिंग दैट कैन ब्लो एनर्जीज इनटू माय सोल. All right, so this is all in the beginning of my show. What I'm doing now is some formal talks. Agar aaj aap logon ki salgirah hai, aap sabhi ko bahut bahut mubarak. अगर आप हमें दौरान सफर समाध फरमा रहे हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि बहुत ज्यादा एहतियात से ड्राइव कीजिएगा. आपके एग्जाम्स, टेस्ट, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक. गेट वेल सून का पैगाम उन तमाम सुनने वालों के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं है. जितने सारे लोग रोजगार के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, आप सभी के लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सभी को एक हलाल जरिए माश अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. 8:25 टाइम चेक. मैं अपनी रिस्ट वॉच से भी टाइम कंफर्म करना चाह रहा था. द टाइम अकॉर्डिंग टू द डायल ऑफ माय रिस्ट वॉच इज 8:26.
And yes, this is the same by our system, right? So this is 826. 826, the time check program ka naam Fun Highway. And this is Hani broadcasting live. Oh,
थैंक यू सो मच। 8:34 इज द टाइम चेक। दिस इज हानी में बुद्ध और जुमेरात को 8 से 10 आप सुनने वालों का साथ देने के लिए मौजूद रहता हूं। आई स्वॉलोड द होल ऑफ कैंडी दैट आई हैड इनसाइड माय माउथ। यू नो अगर आप रेडियो करते हैं सो जो मैंथोल या ठंडी टॉफियां होती हैं वो आपको जेब में रखनी होती हैं। एज अदील कीप्स ऑन सेइंग के भाई ठंडी टॉफी सो दैट्स वेरी मच लाइक अ मस्ट फॉर रेडियो। यू नो सो मैं आप लोगों की लाइव कॉल शामिल कर रहा हूं 051 9263184। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM और वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आ जाए उसके रिप्लाई में आई एक्सपेक्ट योर कमेंट्स कमिंग इन। दिस सॉन्ग बाय द वे यूज्ड टू बी माय ड्राइविंग कंपेनियन usually night times, you know, whenever I used to drive, so ye gana laga ke, especially, you know, the empty streets of Islamabad and especially of my city as well, you know, I just used to love it. Just give it a try. Agar aap bhi driving ke dauran mein ye gana sunna chahte hain, this is by Selena Gomez. Feel Good is the title. I'm sure ye gana aapko achha lag raha hai. Well, I'll have it as my background music for a while. And in the meanwhile, I'll be taking your live calls. हमारे साथ रामते का नंबर 051-9263-184। सुनने वालों से क्या पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि सर्दी का मौसम आपके लिए फुल ऑफ डिप्रेशन होता है कि आपको डिप्रेस कर देता है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि ये डिप्रेसिंग नहीं है तो बाकी लोगों से आप क्या कहेंगे?
कि वो ऐसा क्या करें कि उनका ये मौसम उनके लिए डिप्रेसिंग ना साबित हो, बल्कि फुल ऑफ एनर्जीज हो, फुल ऑफ कलर्स हो, यू नो, फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो. सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ. सो कॉल करें, मैसेज करें एंड योर कॉमेंट्स, यू नो, मैं शामिल कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की लाइव कॉल शामिल कर रहा हूँ. मैं बुध और जुमेरात को आता हूँ. आई एम श्योर कि द लाइन इज वेरी मच इन माय सपोर्ट. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, करम अल्लाह का. रेहान बात कर रहे हैं? नेमतुल्ला. अच्छा नेमतुल्ला, प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिएगा आप. ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है. नेमतुल्ला बताएं, सर्दी का मौसम आपको लगता है कि क्या आप इसमें उदास उदास होते हैं या ज्यादा खुश होते हैं? नहीं, सर्दी का मौसम उदास के लिए ठीक है. अच्छा, कोई सुस्ती आपको चढ़ी होती है, मतलब सुस्त महसूस करते हैं? बिल्कुल. अच्छा, तो इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है कि इस सुस्ती से किस तरह छुटकारा हासिल करें? नहीं, तो जवाब तो आपको बताना पड़ेगा. अच्छा चलें, और कॉलर्स आएंगे ना, उनसे पूछेंगे, तो आप सुनते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सर. चलें, सलामत रहे. नेमतुल्ला हमारे साथ शामिल रहे. So let me tell you something very much exciting. Selena Gomez was here in Islamabad about few months back, and she wanted to do a hangout with me, and for that purpose she was here outside our radio. Lekin wo ijazat nahi thi to aa nahi saki, to is wajah se wo dil bardasht hoke wapas chali gayi hai. This is just a joke, do not quote it anywhere. Selena Gomez was not in Pakistan. ये सिर्फ कभी कभी अपने नंबर बढ़ाने के लिए ना मैं ऐसी ऐसी लंबी लंबी बातें कर जाता हूं कि मुझे लगता है कि भाई इससे कुछ थोड़े बहुत मेरे नंबर बढ़ जाएंगे. राइट, बैक टू बैक लाइव कॉल्स में ले रहा हूं. दिस इज हानी, मैं बुध और जुमेरात को आता हूं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नजीर क्यानी साहब जी? नजीर क्यानी बोल रहा हूं. हाँ, वो चाची के साथ जो एक इख्तलाफ था वो खत्म हो गया? अभी वही बताने वाला हूँ. अच्छा, चल रहा है, अभी भी चल रहा है? पहले तो ये सुन लें कि हमारे सुनाने के लिए आपके पास तो कोई चीज नहीं है. हमारे सुनाने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है, और सिर्फ जो आप क्वेश्चन करते थे उनकी दिलचस्पी और आपकी गुफ्तगू और आपका प्यार और आपकी मोहब्बत, और उसके पीछे हम आपको कॉल कर रहे थे. बाकी प्रोग्राम में जो है ना, जो आप वो ही बात है, अम्मा जी वाली बात है. अच्छा, तो बाकी जो है वो भी आपने मुझे वो पिछले जब क्वेश्चन किया था, तो आप बता क्या हो रहा है. आप मेरी रिलेटिव में से एक फीमेल है, वो मुझे थ्रेट कर रही है कि मैंने बुध को आपका प्रोग्राम सुना है. बस उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा. अच्छा, मुझे ये लगा कि कोई खातून ने सुन लिया होगा और उन्होंने कहा होगा कि हाँ नजीर क्यानी साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है. मुझे कुछ ऐसा लगा. अजूर वो रिलेटिव हैं, और उन्होंने और कोई बात भी नहीं की, सिर्फ फोन करके ये कहा कि जो आपने खुद को आपने कॉल की थी वो मैंने सुनी, बस और कुछ नहीं कहा. तो ये थ्रेड ही है ना. हाँ, हो सकता है वैसे, लेकिन खैर डरने की जरूरत नहीं है. आप डरने की जरूरत नहीं है, आप मूंगफलियां छील छील के खाते रहें चबा चबा के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा. आप ये बता दें, सर्दी का मौसम आपको लगता है कि डिप्रेसिंग होता है? सर्दी का मौसम क्या आपको लगता है कि इसमें आप डिप्रेस रहते हैं, बहुत डाउन रहते हैं, एनर्जी नहीं होती, सुस्त हो जाते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता, कैसा है? नहीं, सर्दी के मौसम में तो मैं बहुत एक्टिव हो जाता हूँ. आपको कितनी बार बताया, मैं चूर चौक में भाग जाता हूँ घूमने के लिए. अच्छा, चूर चौक में, ठीक है. अच्छा, वैसे ये एक मुझे बता दें, उन लोगों के लिए एक सोल्यूशन बता दें कि जो मेरी तरह ये कहते हैं कि भाई सर्दी का मौसम बहुत डिप्रेसिंग होता है, ऐसा वो क्या करें या क्या सोचें या क्या खाएं या पिएं कि उनके अंदर भी आपकी तरह एनर्जी आ जाए? देखें, सर्दी को आप जितना आप महसूस करेंगे ना, इतना ही आप फिर ये चढ़ दौड़ेगी. अच्छा, सर्दी और बेइज्जती दोनों जी. मैं कह रहा हूँ नजीर साहब, सर्दी और बेइज्जती आप जितनी महसूस करेंगे आपको उतनी ज्यादा लगेगी, और इवन डांट. तो आप जनाब इली इसको बिल्कुल अपने पर महसूस न करें, और जो है ना,
इसके साथ मतलब है कि जो है ना जंग करें इसके साथ। ठीक है ठीक है ठीक है। और अच्छे अच्छे मतलब ड्राई फ्रूट खाएं, चलते फिरते हुए खाएं, ये नहीं कि रजाई में घुस के ना खाएं, मैं रजाई में घुस के खाता हूं। हाँ, लेकिन छिलके जो है वो किसी शॉपर में डाल के फिर किसी डस्टबिन में गिरा दें, ठीक है? जी जी, ऐसे ही है। नजीर साहब, मुझे अच्छा लगा, आप ट्रैफिक का पैगाम दें। हाँ जी, ट्रैफिक मैसेज देने से पहले ये कहूंगा कि आप हमीद साहब एंड वहीद साहब ब्रदर और राजा अशफाक साहब, और कभी कभी कॉल करते हैं, यंग हैं लेकिन बोलने में बड़े वो मैच्योर लगते हैं, आसम चौधरी आसम है। ठीक तो है। तमाम बल्कि तमाम सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम जी मेरी तरफ से। और ट्रैफिक मैसेज ये दूंगा कि आज तो धूप माशाल्लाह निकल गई है, लेकिन ये है कि इस मौसम में जरा आपने जो टायर है उनकी उनको अपना अच्छे तरीके से रखिए, अच्छे तरीके से निकाल लिया कि उनकी गुड़ी खत्म ना हो, प्लान ना हो ये, क्योंकि जब ऐसी मौसम होता है तो इसमें बड़ी खतरा होता है उसका फ्लिप करने का। और सीट बेल्ट बांध के रखिए, आपकी जिंदगी का मुहाफिज है, और आप खुश रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे। मुझे भी अच्छा लगा, सलामत रहे नजीर साहब। ओके, अल्लाह हाफिज। नजीर क्यानी साहब हमारे साथ शामिल रहे। मैं बैक टू बैक लाइव कॉल्स ले रहा हूं, बुध और जुमेरात को 8 से 10 में आता हूं। 0519263184 ये हमारे साथ रابطے का नंबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल सतार इस्लामाबाद। हाँ अब्दुल सतार, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। क्या चल रहा है फिर? बस बिस्तर लपेटा हुआ है। अच्छा, बिस्तर लगा हुआ है, बिस्तर के अंदर है? हाँ बिस्तर के अंदर हूँ। अच्छा, खराटे मारते हैं आप? नहीं खराटे नहीं मारते। नहीं, अगर खराटे, अगर नहीं, आपको क्या पता? यही मैं कह रहा हूँ, आपको क्या पता भाई? नहीं, घर में तो कोई कहता ना कि भाई आप खराटे मारते हैं। देखें, इस अजियत से तो बाकी लोग दो चार हैं ना, आपको क्या पता? आप तो आराम से सोए होते हैं। अच्छा, फिर बाज लोग ऐसे होते हैं अपने खराटों की आवाज से क्या हो गया क्या हो गया, खराटों की आवाज से डर के उड़ जाते हैं, ऐसे ही? अच्छा, ये होता है। तो रजाई है, कंबल है? नहीं, वो बंद बिस्तर है, स्लीपिंग बैग। अच्छा, हाँ जी। ये किस तरह बंद, मुझे समझ नहीं आई। वो जो तभी जमात वालों के पास होता है वो बंद। अच्छा, उसमें क्या होता है, किस तरह बंद होता है? जिप से, उसकी जिप सारी तरफ से बंद हो जाती है। अच्छा, मतलब नीचे साइड पे, ऊपर साइड पे भी आप कवर हो जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास एक्स्ट्रा है कोई? नहीं अभी तो नहीं है। अच्छा, कोई और रजाई आपके पास अगर हो, अगर आप वो ले लें और ये मुझे कुछ हो सकता है? हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ अब्दुल सतार साहब, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, आप जल्दी से बताएं, क्या सर्दी का मौसम आपको लगता है कि आपको डिप्रेस कर देता है, डिप्रेसिंग है थोड़ा, मतलब उदास कर देता है? हाँ। कंघी लगाने के लिए। अच्छा, वो कौन सा मौसम होता है कि आप बालों को, बालों में कंघी फेरे और आपके बाल वो जो है ना वो मैग्नेट की तरह उससे चिमट जाए कंघी के साथ? हाँ। वो मौसम कौन सा, वो यही मौसम होता है? क्योंकि किसी दिनों में, क्योंकि कंघी कम ही लगती है ना, वो बंदा टोपी उतारने को दिल ही नहीं करता सर्दी की वजह से। अच्छा, अक्सर माएं जो है ना, माएं अपने उन बच्चों से बहुत शिकायत करती हैं जो अपने बालों पे ना तेल लगा के ना फिर रात को जब बिस्तर में जाता है तो अम्मा जी कहती हैं पुराना इसको दो, पुराना सराना दो, इसको पुराना तकिया दो, ये सारे तकियों के ऊपर ना तेल के दाग लगा देते हैं। बिल्कुल, ये तो होता है अक्सर। हाँ, तो ऐसे 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 बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को या तो वो ऊपर कोई पुराना तौलिया या कोई कपड़ा रख लिया करें ना उसके, और या हाल ये है कि टेंट करवा लें। anyway, सरदार साहब मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है? हाथ पाँव गर्म कर लें अच्छी तरह से और खुश रहें, मुझे अच्छा लगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सतार भाई शामिल रहे, आपसे मैंने पूछा नहीं आप कहाँ से कॉल करते हैं, लेकिन जहाँ से भी करते हैं हमें लगता है कि हमारे दिल के अंदर ही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तो आप रिहान है? जी जी, अभी आप तो मुतशादिया में चले गए थे। मैं कहाँ चला गया था? मुतशादिया नहीं होता जो? हाँ वही है, वही वही। अच्छा, मैं एक लफ्ज बताऊंगा, आपने उसे जुमले में इस्तेमाल करना है जी, ठीक है? बंद मोबाइल। बंद मोबाइल, इसका क्या करना है?
इसको किसी जुमले में इस्तेमाल कर लें उर्दू के, चलें ये जुमला, ठंडा पानी। मुझे आपके समझ नहीं आ रही, आप फिर आपने इस लफ्ज को किसी जुमले में इस्तेमाल करना है जो उर्दू में आप नहीं पढ़ते थे, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठंडा पानी, हाँ। मैं अपने दुश्मनों पे ठंडा पानी डालूंगा, इस तरह से ना, इस तरह से ना। अच्छा बताएं, सर्दी का मौसम आपको लगता है कि डिप्रेसिंग है, आपको थोड़ा उदास कर देता है, डाउन कर देता है, या ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, ये देखा जाता है, दिल का मौसम देखा जाता है ना। अच्छा चले, दिल का मौसम तो है, लेकिन लेकिन मौसमों से आपका दिल का मौसम जो है उसके ऊपर असर हो रहा होता है, तो सर्दी का मौसम आपके दिल के ऊपर किस तरह असर करता है? मेरे ऊपर असर नहीं करता, मैं करने देता हूँ उसको। क्यों, आपका क्या, आप दिल दे चुके सनम? अच्छा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो आज मैं ना 10 मिनट मैंने प्रोग्राम नहीं सुना, वो ही मुझे दुख हो रहा है, पता नहीं। चलिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने प्रोग्राम्स जो हैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, आप वहाँ पे सुन लें। अभी मैं वही सोच रहा था आप, हाँ। वो ये टच मोबाइल में मैं बैठा हुआ था, देख रहा था आप तो किसी जगह पे नजर नहीं। अरे मैं अब मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ से, आपके पास स्मार्टफोन है उसमें बैटरी है, चलता है मोबाइल फोन? जी जी। अच्छा मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो जो नई वीडियो आपके चैनल पे डाली हुई है ना, जो वीडियो शो करते हैं आपके कोई चैनल पे बैठ के ना, अगर थोड़ा सा वही वीडियो शो करके वो उधर डाल दे थोड़ा सा अपना नंबर भी लेके ना, तो फिर मैं थोड़ा सा कांटेक्ट कर सकूं। और हर जगह तो पड़े हुए ना शो, लेकिन आपका शो नहीं नजर आ मैं उसी। अच्छा आप दोबारा से ना यूट्यूब पे जाके हानी HAANI ब्रॉडकास्टिंग बताएं कि मैं उसको फिर लिख सकूं। चले आप लिख लें हानी HAANI बी आर ओ, मेरे मोबाइल में ना भरा ही होती है वो, आप बता दें वो फिर मैं ऐसा ऐसा उधर मोबाइल में ले। हानी ब्रॉडकास्टिंग HAANI और हानी ब्रॉडकास्टर के नाम से मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। अच्छा ठीक है, HAANI ब्रॉडकास्टर एंड ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं जो बंदर रेडियो करता है। ठीक है रेहान, अगर अभी अगले शो तक आपने मुझे ना ढूंढा हुआ ना, मैंने आपको ऐसी गुदगुदी करनी है आपको समझ आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ फिर। ठीक है। अच्छा सर जी, तो अभी मुझसे कोई सवाल पूछे, थोड़ा सा सुकून आ गया मुझे। अच्छा मुर्गी पहले आई या अंडा? पहले अंडा आया। ठीक है ठीक है। अच्छा अंडे की जर्दी सफेद होती है या होता है? सफेद होती है। अच्छा सफेद होती है, अंडे की जर्दी सफेद होती है, आपका ये जवाब है? जी। अच्छा चलें देखते हैं, अगर इसका जवाब ठीक हुआ तो आपको हमारी तरफ से फिर अंडे मिलेंगे, ठीक है, उबले हुए। कितने? एक दर्जन। ठीक है, जिसमें से 4-5 मैं खा जाऊंगा तो बाकी 6-7 बचेंगे। मुझे अच्छा लगा रेहान साहब आप शामिल रहे। For now, that's it. What I'm doing is I'm moving towards your messages and comments as well. अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। मैं दोबारा से बता रहा हूं, अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल फैन पेज मौजूद है जिसका मुकम्मल पता facebook.com/ITPFM। यहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आ जाए उसके रिप्लाई में आप लोग कॉमेंट्स कर सकते हैं। मेक सेंस? यस इट डज। सो मेरा सवाल आप सुनने वालों से है कि क्या सर्दी का मौसम आपको डिप्रेसिंग लगता है? क्या आपको लगता है कि आप इस मौसम में अजीब भारी भारी महसूस करते हैं, एक अजीब एट टाइम्स यू नो आपको एक सफोकेशन होती है, यू फील दैट घुटन थिंग इन योर लाइफ राइट, एंड यू ट्राई यू नो यू फील वेरी मच ऑप्शन लेस, आपको लगता है कि भाई जिंदगी में करने को कुछ रहा नहीं है क्योंकि जब तक ये सर्दी रहेगी तो उस टाइम तक हम चीजें पोस्टपोन करते रहेंगे। You know, we keep on postponing things
यू नो आवर प्लानिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स आवर थिंग्स आवर चोर्स आवर एवरीथिंग. हम कहते हैं भाई सर्दी गुजरने दो उसके बाद करेंगे, सर्दी गुजरने दो उसके बाद ये करेंगे, सर्दी गुजरने को दो उसके बाद वहां चलेंगे. सो यू नो ये एक्सक्यूजेस सर्दी के मौसम में ये करेंगे मतलब नहीं करेंगे, गर्मी के मौसम में करेंगे. सो अगर आपके साथ ऐसा है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. जितने साल लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, सर्दी के मौसम बहुत ज्यादा एनर्जी से भरपूर होता है, उनको लगता है कि वो अपने सर्दी के मौसम को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं. सो वो किस तरह बनाते हैं, यू गाइस कैन शेयर विद अस. वी हैव बारो फ्रॉम G91 एंड शी सिंह के सर्दी का मौसम मेरे लिए डिप्रेसिंग नहीं है क्योंकि मैं मुझे अच्छा लगता है सर्दी में सर्दी का लगना और गर्मी में गर्मी का लगना. ओह व्हाट एन आंसर. ऑलराइट वी हैव एनी इस्लामाबाद से. अब आपने ए एन आई लिखा है आनी और एनी. इस्लामाबाद से सलाम भाई, कैसे हैं आप? शो इज सो नाइस. सलाम टू हमीद साहब और रेहान एंड तमाम सुनने वालों को आप सलाम कह रही हैं. और ये भी पैगाम है कि ड्राइव केयरफुली, मुझे अच्छा लगा. ऑलराइट आरजे नौमान हमें सुन रहे हैं, आरजे नौमान मलिक. नोमी नोमी की हाल है तुम्हारा मुंडे, किथे रह गया सी, किथे रह गया सी. मेरा बहुत दिल करता है मैं कभी पंजाबी का गाना गाऊं, वो अंग्रेजी में है. सो 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 अब नहीं गा सकता. ओए सोनिया. सो वी हैव नौमान मलिक और नौमान सुन रहे हैं और कह रहे लंबे अरसे के बाद सुन रहा हूं और मेरा चलें ठीक है ठीक है. लंबे अरसे बाद सुन रहे हैं नौमान, आई होप कि आप खैरियत से हैं और लंबे अरसे से मेरे ख्याल से आप रेडियो करने नहीं आए थे. आई होप कि थिंग्स आर सो फाइन अराउंड इन योर लाइफ. सो दैट वी हैव, लेट्स सी इफ यू हैव मोर ऑफ योर मैसेजेस और नॉट. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स योर फेसबुक कमेंट्स, facebook.com/ facebook.com/ITPFM. ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है और मैं आप लोगों के कमेंट्स अभी चेक कर रहा हूँ. अगर आप लोग करना चाहते हैं कमेंट्स तो बिल्कुल कर सकते हैं. ऑलराइट, वी लेट मी यूटिलाइज माय सेल फोन इन दिस रिगार्ड क्योंकि मुझे ऑलराइट वी हैव योर कमेंट्स. Alright, so we have Mahvish Ali Hassan. Mahvish Ali Hassan कह रही हैं और बहुत जबरदस्त ये छोटा सा बच्चा है, आपने उनकी पिक्चर लगाई है प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे. आई होप थिंग्स आर सो फाइन अराउंड. हेलो हाउ आर यू हनी ब्रदर, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच महविश, आप सलामत रहे. उस्मान सत्ती हमारे साथ हैं, आप दो दफा उस्मान सत्ती हैं, नहीं उसामा सत्ती. हाँ आप एक दफा उसामा सत्ती हैं और एक दफा कुछ और सत्ती हैं. सलाम मुझे कह रहे हैं और खैरियत दरियाफ कर रहे हैं. शाम बखैर का पैगाम है, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, आवाज की तारीफ कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं और सभी की खैरियत के लिए आप दुआ कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा. आयशा खान हमारे साथ, वेलकम लाला डेरा मनना. उसामा सत्ती दोबारा से. हमीद अवासी कैसे हैं भाई, करम अल्लाह का. लाले दी जान की आले तुआडा, कितने रह जाते हो तुसी. हुसना वासी हमारे साथ, सलाम मुझे कह दिए, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का, करम अल्लाह का. All right, we have मारुख. और मारुख कह रही हैं कि अपना बैकग्राउंड म्यूजिक जो है तो वो उर्दू वाला चलाया करें. सही है. असल में बचपन से मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़ूं, है? लेकिन अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हमेशा इम्तिहान लिया जाता था अंग्रेजी में, तो मैंने हमेशा से उस एग्जामिनेशन में एग्जामिनर से पूछा कि अंकल या मैडम या सर, क्या मैं ये पेपर उर्दू में दे सकता हूँ? तो उसके बाद मुझे निकाल दिया जाता था, यू नो. सो दैट्स द रीजन आई एम सो मच इनटू प्लेइंग अंग्रेजी सॉन्ग्स. हमें हमीद अवासी का दोबारा से सलाम मुझे कह रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं. दानिश राजा हमारे साथ है, मुझे अच्छा लगा आपने कोई शेर लिखा है.
चलें थोड़ा पढ़ देते हैं आपके लिए। शामे फराग, अब न पूछ आई और आके टल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जान थी कि फिर संभल गई। वाह वाह क्या तरीका, किस तरह से मैं शायरी पढ़ता हूँ, मतलब चस आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब no, this is very much a Pindi style. अखीर किस्म के अंदाज में मैंने ये शेर पढ़ा। Anyway, you know. So we have Iffat Batul, सलाम मुझे कह रही हैं। Welcome Hani भाई, hope you're fine. Show is so good as usual, no doubt. And मुझे सर्दी बहुत बुरी लगती है। उफ तौबा, बंदा खुद होता अपने घर में मगर उसके हाथ पाँव ठीक है। आपने ये अंटार्कटिका लिखा है, पहुंच जाते हैं, शुक्र आपको सर्दी नहीं लगती, वरना आप शो के लिए ना आते। अरे मुझे सर्दी नहीं लगती, ये क्या कहना, आपने मेरे जज्बात को सर्द कर दिया। खैर मुझे सर्दी नहीं लगती लेकिन ठंड बहुत लगती है। गुड, कैरी ऑन एंड स्टे हैप्पी। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। दानिश राजा दोबारा से आप हैं और हमेशा की तरह आप तारीफ कर रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा है। ऑलराइट, फॉर नाउ दैट्स इट, फॉर नाउ दैट्स इट। व्हाट आई एम डूइंग इज, और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सुनने वालों से कि एक तफसीली पैगाम या कॉमेंट लिख दिया करें ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो, बजाय इसके कि आप एक ही बात को 7-8-10 कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, मुझे पढ़ने में फिर थोड़ा मसला होता है। सो बेटर इट इज कि आप एक मैसेज या एक कमेंट कर लें, मैसेज करना चाहें कर लें, जितने आपकी मर्जी है, उससे हमारा थोड़ा बहुत पैसों का फायदा हो जाता है ना। वाज़ वी नॉट अ कमर्शियल चैनल, वी आर नॉट अ कमर्शियल चैनल, राइट, वी आर नॉट इनटू मेकिंग मनी। हम एक मकसद के लिए हैं और मकसद यही होता है कि हम तमाम सुनने वालों को, जो रोड यूजर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करते रहें, उनको एजुकेट करते रहें टुवर्ड्स टुवर्ड्स रोड सेफ्टी रूल्स, क्या किस तरह से करना होता है। बहुत कोशिश की खांसी छुपाने की लेकिन छुप नहीं सके। एनीवे, सो अगर आप सड़क उबूर करते हैं सो बेटर इट इज कि आप उस जगह का इंतखाब करें जहां ज़ेबरा क्रॉसिंग हो, जहां पे व्हाइट पट्टी हो, ओवरहेड ब्रिज हो, अंडरपास हो। इफ दैट इज नॉट द केस एंड नन ऑफ दीज इज अवेलेबल टू यू, सो इन दैट केस आप रोड क्रॉस करने के लिए सबसे पहले ट्रैफिक के सिम्त में, फिर मुखालिफ सिम्त में, और दोबारा से ट्रैफिक के सिम्त में देखने के बाद बिल्कुल सीध में सड़क को उबूर कीजिएगा। All right. So now what I'm doing is. All right. अच्छा ये कुछ और मैसेज आए हैं लेकिन मैं फिलहाल इनको शामिल नहीं कर रहा। शहीर हैं, मदीहा, आप लोग हैं सब। सो आप लोगों के मैसेज मैं इस गाने के बाद शामिल करूंगा। इस गाने के बाद कुछ लाइव कॉल्स होंगी एंड देन सम कमेंट्स एज वेल। दिस इज अवीची, द नाइट्स, व्हाट अ सॉन्ग इट इज, फुल ऑफ मैसेज। All our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. तो जितने सारे लोगों को इस मौसम में सर्दी बहुत लगती है, आप लोगों ने अपने 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 आप को ना अंदर से एक मोटिवेशन देनी है, और वो मोटिवेशन यही है कि विच मेक्स यू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट फीलिंग कोल्ड। आप अपने आप को बताएं, यू नो, इनहेल द एयर इनसाइड योर लंग्स, और अपने आप को ये बताएं सीना चौड़ा करके कि नहीं, सर्दी नहीं लग रही, हमने अपने दिन में वही उसी तरह से काम करने जिस तरह से हम गर्मी में करते थे। वील शाइन बी एनर्जेटिक, वील शाइन बी अप इन अवर लाइफ। सर्दी हो तो होती रहे, सर्दी लगती है तो लगती रहे, हमें सर्दी नहीं लगेगी। उफ, सर्दी। अवीची, द नाइट्स, आई होप यू गाइस लव दिस सॉन्ग। 900 टाइम चेक, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे, दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव। Told me.
shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, when he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, he said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. These are the nights that never die, my father told me. Honor, your father would have told you a number of things about your life to make you up in your life. A number of people who are elder to you would have told you, would have taught you a number of things to keep you guys up in life. लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि भाई सब कुछ कर लूंगा लेकिन बस ये बिस्तर मुझे छोड़ दे. हैं? मैं सब कुछ फतह कर लूंगा लेकिन बस ये बिस्तर मुझे छोड़ दे, तब मेरे लिए मुमकिन होगा. तो अगर आप लोगों को सर्दी का मौसम डिप्रेस करता है, आपसे कुछ नहीं होता, अपने आप को एहसास दिलाएं कि सर्दी कोई नहीं है. स्टे एनर्जीफुल, स्टे एनर्जेटिक इन योर लाइफ. देयर इज नो सर्दी, दैट्स ऑल नॉर्मल. ठीक है, सर्दी कोई नहीं है, सर्दी बहुत है. मैं लाइव कॉल्स ले रहा हूं. दिस इज हानी. मैं बोध जुमेरात को 8 से 10 आता हूं. 0519263184 ये हमारे साथ रब्ते का नंबर. अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है, और वहां पे पोस्ट में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? Let me give it a read. Alright, it's written, Hani broadcasting live tonight, Wednesday, 23rd January 2019 from 8 to 10. Alright, yeah, iske reply mein I expect your comments coming in. He said one day. मैं लाइव कॉल्स ले रहा हूँ. क्या आपको लगता है कि सर्दी का मौसम आपके लिए डिप्रेसिंग है, आपको ये डिप्रेस बना देता है, थोड़ा उदास, थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा डाउन बना देता है? अगर हाँ तो भी, अगर नहीं तो भी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जहान भाई. वालेकुम अस्सलाम, क्या हालात हैं? क्या हमदुल्ला, मलाखेल शहर क्वेटा में है? हाँ बिल्कुल, क्वेटा में. अच्छा, पीछे टेलीविजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? भाई वो बोल रही है. कौन बोल रही है? वो हमारा भाई. अच्छा, भाई बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं. ठीक है. तो क्या बात क्या चल रही है? आपकी शादी के मुतालिक तो नहीं बात चल रही है? भाई बोल रहे, नहीं पहले मेरी शादी करो फिर इसकी करो, या पहले इसकी कर दो, मैं नहीं करना चाहता. उसके साथ बात कर रहा था. अच्छा, आप बड़े हैं या आपके भाई आपसे बड़े हैं? मुझसे भाई बड़ा है. अच्छा, ये अक्सर घरों में ना एक बड़ा भाई होता है ना, कि वो एक आइडियल की तलाश में होता है. वो कहता है नहीं यार, मुझे मतलब ऐसी लड़की कोई अम्मा जी ढूंढ के देना कि जो मेरे ख्वाबों में आती हो शहजादी की तरह, तो तब मैं शादी करूंगा, वरना नहीं. 5 साल गुजर गए, 10 साल गए, पीछे उसके भाई जो है पढ़ाई करने, जी जॉब पे जॉब लगनी, सरकारी मुलाजिम बन गए, बड़े अफसर बन गए, प्राइवेट अफसर बन गए, लेकिन बड़ा भाई शादी नहीं कर रहा. और माँ से अगर गलती से कह भी देना तो माँ यूं कान खींच के ना बोलती है, बदतमीज, अब तुम्हारा बड़ा भाई बैठा हुआ है, पहले उसे करने दो, उसके बाद तुम्हारी नंबर, तुम्हारी बारी आएगी. सो अब वो बड़ा भाई जो है ना, वो ऐसा एक ट्रक बना हुआ है कि उसने पूरी रोड को ब्लॉक किया हुआ है. इसी तरह ना, आपका भी यही सीन है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. ये बताएं कि आपको लगता है कि सर्दी का मौसम डिप्रेसिंग है, आपको डिप्रेस कर देता है, उदास भारी कर देता है? नहीं सर्दी तो मौसम तो उदास कर रही थी, क्योंकि मैं आपसे बेजार हो जाता हूँ सर्दी के मौसम में. किससे? मुझसे इकट्ठा होता है. मैं अपना इंसान. अच्छा, अपने आप से. ऑलराइट, ठीक है. लेकिन सर्दी के मौसम में फायदे कितने हैं ना?
सर जी के फायदे तो मुझे पता नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। आप अपनी आधी शर्ट इस्त्री करते हैं, उसके ऊपर स्वेटर जैकेट पहन के आधी आपकी शर्ट अंदर छुप जाती है। आप अपनी सारी पुरानी शर्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी की जेब उखड़ी हुई है, कहीं पे सुराख हुआ हुआ है, कोई आपकी कमीज आगे से पीछे से जल गई थी और वो आपके नाप से ऊपर के जो हिस्सा है यहाँ पे आती है, तो आप आराम से जैकेट या स्वेटर पहन ले, नीचे आपके पांचे दामन पैंट जींस व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, तो बाकी बहुत अच्छा टाएं शाएं फाएं किस्म की आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, लेकिन स्वेटर के नीचे जो है आपकी इस तरह बचत हो जाती है। हाँ बिल्कुल, स्पेशली सर्दी की स्पेशली बात ये है, जब आप कोई चीज पहनेंगे आपकी जेब बहुत ज्यादा होएगा, इसमें हर चीज आप डाल सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे लड़के जो है इतने शरीर होते हैं सर्दी के मौसम में, स्वेटर के नीचे शर्ट पहनते ही नहीं है। स्वेटर पहन लीजिए, यूनिवर्सिटी चले गए, दफ्तर चले, किसी को पता ही नहीं चला। मतलब इतना धोखा हो रहा है ना सर्दी के मौसम में, धोखे पे धोखा। इसी तरह दूसरा, उबले हुए अंडे कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। वो तो जाहिर सी बात, फिर गर्म मूंगफली और इसमें उबले वाला अंडे, इसमें जब काला नमक डाले, वो काली मिर्च डाले, तो वो तो मजा और दुबाला हो जाता है। ऐसे ही ऐसे। घर में सब ठीक है, शुक्र अल्लाह। नेट पे शो नहीं चल रहा है, नेट पे शो नहीं चल रहा है यार। रिजवान लाले दी जान नहीं चल रहा है सर, इंटरनेट पे वेबसाइट पे नहीं चल रहा। ऑलराइट, मैं बताता हूँ भाई, रिजवान थोड़ा निकला हुआ है, मैं उसको बताता हूँ कि चेक कर ले। हम ठीक है, बस अली भाई शो किया है हमेशा की तरह, क्या हमेशा जबरदस्त शो होता है, आज भी माशाल्लाह आज से की तरह शो होता है आज। ऑलराइट, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। सलामत रहे आप, ठीक है। बिल्कुल, ट्रैफिक में से तुम्हें एक हमेशा गाड़ी को स्लो चलाना चाहिए और ट्रैफिक के कानून पे चलना चाहिए। ऑलराइट ऑलराइट, अच्छा लगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, मलाखेल हमारे साथ शहर क्वेटा से शामिल रहे और उनका कहना है कि वो शो नहीं सुन पा रहे क्योंकि वेबसाइट पे स्ट्रीमिंग ऑफ है। लेट मी गिव इट अ चेक। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा प्लीज लाउड बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? सर इम्तियाज हुसैन बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद। अच्छा इम्तियाज, थोड़ा सा तेज आवाज के साथ बोलिएगा ना। अच्छा सर, आवाज कम आ रही है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं। इम्तियाज क्या करते हैं आप? सर मैं स्कूल में जॉब करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, पढ़ाते हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है? नहीं नहीं, बस सर लेटर। अच्छा ठीक है, लेटर किसको, लेटर किसको लिखते हैं? नहीं बस सर, नहीं नहीं, किसी को ऑफिस में होते हैं सर। अच्छा नहीं, मैं उन लेटर को सोच रहा था, वो जो कबूतर के गले के साथ बांध दिए जाते थे कि जाओ ये लेटर मेरी फरखंदा को दे के आना, जाओ ये राजू को लेटर दे के आना। अभी सच बताऊं, आजकल के कबूतर इतने तेज हो गए ना, आप गले में इस तरह की कोई चीज डाल भी देना तो वो उड़ता हुआ उड़ता हुआ उड़ता हुआ मेलों के ऊपर, कभी बाजारों के ऊपर, कभी कैंट चला जाएगा, कभी इस्लामाबाद में घूमता फिरेगा, फिर जाके किसी पार्क में बाकी परिंदों के साथ दाना खाएगा, भूल जाएगा भाई मेरा निकलने का मकसद क्या था। बिल्कुल, तो उस दौर के जो कबूतर थे वो बड़े अच्छे बेवफा थे, अभी तो वो भी बेवफा हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। एनीवे बताएं कि आपको लगता है कि सर्दी का मौसम डिप्रेसिंग है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने सर्दी के दिन को किस तरह एनर्जी से भरपूर मनाते हैं, आप इसको किस तरह अप रखते हैं? नहीं नहीं सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम सुबह नहाते हैं तो सही टाइट रहते हैं। अच्छा सुबह नहाएंगे तो आप टाइट रहेंगे, आपका ये कहना है? बिल्कुल सर। सीन टाइट है भाई, सीन बड़ा टाइट है। एनीवे आप ट्रैफिक का पैगाम दें। बस सर ये ट्रैफिक वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बाजी लोग बहुत बुरा यानी कि बैड ड्राइविंग करते हैं, के लिए कहता हूँ कि प्लीज स्लो चलिए, आहिस्ता चलिए, जो लोग पैदल चलते हैं ना उनका स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। ऑलराइट ऑलराइट, मुझे अच्छा लगा, अच्छा पैगाम। सलामत रहे आप, ठीक है। अल्लाह हाफिज। मेरे भाई शामिल रहे और कहते हैं कि मैं खत शत लिखता हूँ, चिट्ठी शिट्ठी सैया जी के नाम लिख लें, पता नहीं लिखना, पता चल जाएगा भाई खत किसने भिजवाया। What a time that was! Alright, you know, I once told a story, you know, about my father. My father was once in Karachi. He was there for some official job. You know, so after having stayed there for a week or maybe a two, इतना टाइम गुजार लेने के बाद when he returned from Karachi, अच्छा तो कराची छोड़ने से पहले उन्होंने एक घर के हमारे घर के पते पे एक लेटर पोस्ट किया, राइट? सो अब बीच में वो खत कहीं पे अटक गया, राइट? सो मेरे अब्बा जी को 2-3-4 दिन लग गए, तो मेरे अब्बा जी घर पहुंच गए। अब मेरे अब्बा जी यही
सोच रहे थे, ये इमेजिन कर रहे थे कि शायद इन लोगों को मेरा खत पहुंच चुका है जिसमें मैंने लिखा था कि मैं खैरियत से हूं और मैं आप सबको मिस कर रहा हूं और उसको जो है मेरी तरफ से प्यार देना और उसको कहना कि स्कूल जाए और मुझे खासतौर पर कहा गया कि उसको बोलो कि जरा ज्यादा बाहर ना फिरा करे, घर में रहा करे, ठीक है। सो अच्छा अबी यही सोच के घर में थे कि अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई, देखा भाई डाकिया, हम हैरान थे भाई इस दौर में हमें किसने खत लिख दिया, कौन है ये। तो उस पे देखा जी मेरे अब्बा जी का नाम था और कराची का पता था, तो मेरे अब्बा जी ने खुद ही वो लेटर रिसीव किया, उसका एनवेलप खोला और हमें बताया कि भाई ये खत मैंने आपको 3-4 पहले वहां से लिखा था जिसमें मैंने पेशगी इतला दे रही थी कि मैं इस दिन आऊंगा और ये भी कहा कि आई एम मिसिंग यू ऑल। सो द ओनली थिंग दैट वाज हिलेरियस दैट वाज। अगर आप लोग इस बात पे नहीं हंसे ना तो मैं आपको वो ठंडी चाय वाला लतीफा सुना दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, या मैं आपको वो मेकअप वाला लतीफा सुना दूंगा। एनीवे आई एम मूविंग टुवर्ड्स योर लाइफ कॉल्स। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हेलो, ऑलराइट, दैट वाज जस्ट मिस्टीरियस कॉल 0519263184। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? आदिल खान बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। आपने नाम क्या बताया भाई? आदिल खान फ्रॉम इस्लामाबाद। आदिल खान, क्या हालात है, खांसी लगा दी आपने मुझे। बस आप प्यार है ना, बहुत प्यार है इसलिए आपको खांसी लगी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद ये एक तीन से सर। कहाँ से? H13। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा H13 से आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, आप ये बताएं क्या करते हैं आप इस्लामाबाद में? गोल्डा फर्नीचर मार्केट है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आप फर्नीचर की दुकान है आपकी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक ऐसी कुर्सी बनानी है ना कि जिसकी टांगे ना हो, बगैर टांगों की मैंने ऐसी कुर्सी बनानी है कि उससे बेड भी बन सके, उससे मेरा दफ्तर भी बन सके, उससे गाड़ी भी बन सके, कुछ इस तरह बना सकते हैं आप? नहीं ऐसा तो क्या कह सकते भाई। अच्छा आदिल, आप ये बताएं कि आपको लगता है कि सर्दी का मौसम आपके लिए थका देने वाला मौसम होता है, आपको थोड़ा आपका मूड डाउन रहता है, आप खुश नहीं रहते इस मौसम में, तवानाई एनर्जी नहीं होती, क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम तो अच्छा होता है हमारे लिए। एक तो ये सबसे बड़ी अच्छी जो है ना खुशी ये होती है कि नींद पूरी हो जाती है। ऑलराइट, तो नींद आपकी पूरी हो जाती है, किस टाइम सोते हैं आप? तकरीबन ये आप जितने लेट भी सो जाए तब भी आपकी नींद पूरी हो जाती है, सर्दियों में ये है कमाल है। अच्छा, वैसे 10 बजे के बाद सोइएगा आप, ठीक है? जी जी नहीं, मैं तकरीबन 11-12 बजे सोते हैं डेली। चलें चलें ठीक है, मुझे अच्छा लगा। तो हम सुनते रहते हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा शो है आपका मेरे भाई, मुझे अच्छा लगा। आप खुश रहें और आते रहा करें इसी तरह, ठीक है? इंशाल्लाह बिल्कुल जी। चलें चलें, बहुत शुक्रिया आदिल, शामिल रहें। मुझे पता था मुझे खांसी लगेगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, वहीद अब्बासी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? करम अल्लाह का। देखो बड़ी मुश्किल से मिली है, साल पहले तो यहाँ तो आप उठा ही नहीं देते, तो मैं आपको पूछ रहा था, मैंने कहा पता नहीं अनाम भाई ने क्या जादू कर दिया यहाँ पे काल नहीं मिलती, पिछली दफा भी पिछला वीक में भी ऐसा ही हुआ, आज भी काल नहीं मिल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, असल में एक लाइन है ना वहीद साहब, तो सूरज से एनीवे आप ये बताएं कि सर्दी का मौसम आपको डिप्रेसिंग लगता है? राम भाई बात है कि सर्दी का मौसम जब एक थी ना सही, ना जब यंग था ना तो सिर्फ अच्छी लगती थी, लेकिन अब जो है ना अब बड़ा तंग हो जाते हुए। सर्दी से तंग हो जाते हैं सर्दी लगने की वजह से? बस असल में बात यह है कि इसमें जो है ना एक तो दम बहुत ठंडे होते हैं ना, और दूसरा जनाब ये होता है ना कि बाहर आदमी इंसान वो जो आम रूटीन की जो एक्टिविटी होती है ना उसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, दिन छोटे होते हैं यही वजह होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, घर में ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बिल्कुल जो है ना, आज मैं अभी सोच रहा था कि अमीर भाई भी बस लगे होंगे काम लाने के लिए, अपने नजीर साहब को खुशकिस्मत से उनकी ताली मिल गई थी,
अच्छा मैं उस दिन हमीद साहब ने कहा था भाई मैंने भैंस रख ली है, तो मैंने कहा भाई मैं आप आ जाऊंगा 2-3 किलो दूध दे दीजिएगा लेकिन खालिश हो है। अब चला गया जी वो, मैं ले गया, अम्मा जी ने कहा इसमें दूध में पानी बहुत डला हुआ है, तो मैं हमीद साहब के पास ले गया। हमीद साहब ने मुझे कहा भाई हमारी भैंस ने पानी बहुत ज्यादा पी लिया था, इस वजह से दूध में से पानी आ रहा है। बकरी का ले लेना था, उन्होंने कहा बकरी का दूध दे दे। अरे बकरी का किस तरह ले, उस टाइम 2 बकरियां थी और दोनों जो थी टैंकी के अंदर नहा रही थी, तो मैंने कहा भाई अगर भैंस का दूध ऐसा है तो बकरियों का तो फिर पानी होगा। वही साहब मुझे अच्छे लगते हैं आप, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपसे जो है ना ये बात ये मुझे अच्छा लगा, सलामत रहे आप, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। बिल्कुल सलामत रहे, सलामत रहे, ठीक है, अल्लाह हाफिज। वहीद अवासी हमारे साथ शामिल रहे। So I'm taking your live call 051-9263-184. Hello. Hello. चलें आप जो भी हैं दोबारा से कॉल कर लें। अरे भाई तेज दुनिया है, इतना वक्त किसके पास होता है। 051-9263-184. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? पहचाने गजल की छोटी बहन सुतेली, सुतेली बहन है आप? सुतेली तो नहीं हूँ, एक ही हूँ। अच्छा आप एक हैं। जवेरिया जवेरिया कैसी हैं आप? आज मेरा गला जो है ना बहुत बैठा हुआ है, गला में गला बैठा रहता है, गला मेरा कभी उठता नहीं है। एनीवे सो बताएं बच्चे वगैरह कैसे हैं? माशाल्लाह सब ठीक है, दोनों बच्चियां ठीक है मेरी। ऑलराइट ऑलराइट सो बताएं सर्दी का मौसम डिप्रेसिंग लगता है या नहीं? अच्छा लगता है आपको सर्दी का मौसम? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा क्यों, आपको क्या लगता है डिप्रेशन होती है वो बंदे को भारी भारी लगता है अपने आप? नहीं लेजीनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, बंदे दिल ही नहीं करता कमरे से बाहर आने को, काम भी नहीं हो पाता, सुस्ती चढ़ी होती है, सुस्ती काहली अजीब तरह का है। सही है सही है, गर्मी में तो ये होता है लाइट लोड शेडिंग होती है, बंदे को वैसे तेज बना देती है। अच्छा ठीक है ठीक है, सर्दियों में ये चीज नहीं ना होती तो बंदा ऐसे लेजी लेजी सा होता है, स्पेशली मैं, औरों को तो मुझे नहीं पता। अच्छा सर्दी में बहुत अच्छी बात ये होती है कि बंदे को गर्मी नहीं लगती, ऐसा भी है? हाँ लेकिन सर्दी तो बहुत ज्यादा लगती है ना। यही बात है यही बात है। एनीवे मियां ठीक है आपके? शुक्र अल्लाह पाक, अभी मेरे पास बैलेंस नहीं था, मुझे मेरी फ्रेंड ने बैलेंस भेजा लोगों के लिए जोक ही होगा वैसे यूजुअली आज के दौर में ना, आज के दौर में अगर किसी का फोन मुनकता हो जाए, कॉल ड्रॉप हो जाए तो बैलेंस खत्म होने की वजह से यही बोलेंगे यार वो असल में सिग्नल का मसला था, सिग्नल का। ऐसे ही आपने आपने खुद जो है ऐलान किया सबके सामने? एक दफा किया था लेकिन फिर उसके बाद मैंने कह रहा ऐसा कभी नहीं किया, मैं सच बता देती हूँ क्योंकि अगर मैं सच बताऊंगी तभी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना, अगर मैं झूठ बोलूंगी तभी किसी ने कुछ नहीं कहना, तो फायदा झूठ बोलने का। अच्छा, जो भी था उसने मुझे बैलेंस भेजा पहले आपके शो में कॉल करने के लिए और मैं इतनी खुशी हुई, मैं घंटा कॉल्स तो कॉल किए जा रही लेकिन नंबर इतना बिजी जा रहा था आपका। अच्छा अपनी फ्रेंड को आप और कुछ दे सके या ना दे सके कम से कम 2-3 उबले हुए अंडे जरूर दीजिएगा आप उनको, ठीक? दूर रहती है ना बट यहाँ वो शो सुनती है, मैं उसका नाम लूँ या ना लूँ कंफ्यूजन है। हाँ तो आप फिर एक और कर देती हूँ। हाँ एक और काम कर सकती हैं आप, मुर्गी होती है ना बाज मुर्गियाँ उड़ भी सकती हैं, है? तो मुर्गी को बता दें कि उस फ्रेंड के घर चली जाओ, है? अब वो उड़ती हुई जाएगी, खुद जाके उधर अंडे भी दिया करेगी और वो खुद ही उबाल के वो खा लिया करेगी, ये भी तरीका है। वैसे ये साइंस इतनी आगे चली गई है कि अब मुर्गी उड़ने भी लगी। नहीं असल में मुर्गियां बहुत आगे चली गई हैं, साइंस तो उधर ही है, मुर्गियां आगे चली जाती हैं उड़ उड़ के ना, पता नहीं पड़ोसियों के और मोहल्ला पार और फिर शहर पार कहाँ कहाँ चली जाती हैं। हाँ वैसे ये है गुम जाती हैं लेकिन अब उनको समझा तो मैं सकती हूँ, खैर बस यही पे बता देती हूँ कि थैंक यू सो मच आपका मुझे लौट देने का, कार्ड देने का। अच्छा चले चले सलामत रहे, बाद आपका शो सुन रही हूँ
मेरे पास हैंड फ्री नहीं होती अक्सर ही क्योंकि मेरी माशा दो बेटियां हो गई हैं, तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मुझे अक्सर वो मैसेज करके कहती है सिस्टर लग गए शो सुन ले। हाँ। मुझे वही याद करवाती है, पहले मुझे खुद याद होता था और अब मुझे वही याद करवाती है। अच्छा, अपनी बेटियों को भी आदि बनाए प्रोग्राम का? वो मतलब समझ नहीं आई। नहीं मतलब अपनी जो आपकी बेटियां हैं ना, जब आप उनको फीडर दे रही हो कोई खाने पीने की चीज नहीं, पहले रेडियो सुनो। पहले बच्चों रेडियो सुनो जी, ये 8 से 10 बजे मैं रात नहीं सुनती। वैसे मैं ये आपका शो सुनने के लिए करती हूँ, बाकी मैं रेडियो नहीं सुनती ना, मैं अब टीवी वगैरह देखती हूँ, नेट पे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ये व्हाट्सएप वगैरह ज्यादा मैं यूज नहीं करती। जवेरिया मुझे अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जवेरिया हमारे साथ शामिल रही। मेरा गला जो है वो आज बहुत ज्यादा बैठ रहा है। ब्रोकन एंजल बाय एरिश। All right, अब गले को उठाना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम है तो उसको करना पड़ेगा। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का कौन, मैं क्यों बताऊं, आप अपने निस्लर को भी नहीं पहचानते। हाँ भूल गए, खबर काम। अच्छा, नाजो राशा मा सरापा खुलाशा, G14 से आप आती हैं, राइट? जी शुक्र है, इतना याद है। हाँ, इतना याद है नाजो। सो क्या हालात हैं? हालात खुद ही कूर के अटूल टिक थी। खरी खुमंगन देर सड़ी सम कारुना। ओके, ट्रांसलेट इट इन टू उर्दू। नाजो कह रही हैं कि आज काम 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 हम लोग थक गए हैं। अच्छा नाजो, बताएं कि सर्दी का मौसम आपको लगता है कि आपको थोड़ा उदास कर देता है, चीजें आपसे नहीं होती, काम मुश्किल हो जाते हैं, कुछ लगता है आपको ऐसा? हाँ, मुझे तो बहुत ही उदास करता है, मुझे तो सर्दियाँ पसंद ही नहीं है, मुझे गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। अच्छा, अक्सर लड़कियों को शिकायत होती है कि सर्दी के मौसम में हमारी रंगत काली हो जाती है। हाँ, रंगत काली हो जाती है, लेकिन फिर तो गर्मी में और काली हो जाती है। नहीं, गर्मी में मेरा कलर अच्छा होता है, सर्दियों में भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अच्छा चले, बहुत अच्छी बात। सो ज्यादा गर्मियों में नहीं, जैसे पसीने इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो। अच्छा बताएं, तो सर्दी में क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि आप बहुत तंग होती हैं? क्या चीज है? कंबल से निकलना, घर के चीज, मतलब कुछ भी, मतलब कोई काम, कोई एक्टिविटी, कुछ खाना पीना, ड्रेसिंग में कुछ ऐसा जो आपको मुश्किल लगता है सर्दी में? मुंह हाथ धोना आपको मुश्किल लगता होगा? एक मुंह हाथ धोना बहुत, अभी धोंगी अभी धोने में बस रहे नहीं दे। अच्छा, घर में ठीक है सब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चले, फिर आपके G14 के सामने कोई काम शाम हो रहा था, वो मेट्रो प्रोजेक्ट का, वो हो गया? कभी रुक जाता कभी हो जाता है। अच्छा, अभी हो रहा है। चले, लग रहे कि ये सारे प्रोजेक्ट जो हमारी अच्छाई, हमारी बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए है, वो मुकम्मल हो। नाजो मुझे अच्छा लगा, डेरा मनन। अच्छा एक सॉन्ग प्ले करने। कौन सा? पंजाबी सॉन्ग। मैं 10 सोए कुड़ी, मैं सॉन्ग 10 थोड़ा सा गा के सुना। केड़े आला। अच्छा, खाम खाने गल वधाना चाहिदा, लोक दियां गल्लां विच नहीं आना चाहिदा, आपे ही मुकावांगे ते आपे ही मिटावांगे, ए रोला साडा आपना, असी पके ढोले देते ढोला साडा। आय आय आय, बाने होते मैनू चूड़ चोक लासो। सलामत रहे नाजू, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाजू हमारे साथ G14 यानी कि G14 से शामिल रही। एक मजीद लाइव कॉल ले रहा हूँ, इसके बाद कुछ पैगाम इन कॉमेंट चेक करूंगा। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? करम अल्लाह का। ठंड तो नहीं लग रही? थोड़ी बहुत लग रही है। प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं आज आवाज नहीं, या आज आपकी आवाज में थोड़ा सा फर्क है, या आपको किसी ने स्टोर में बंद कर दिया है, कुछ ऐसा है? ओ, मैं बिस्तरे में हूँ जी, बहुत ठंड आई तो बर्फबारी हो गई।
अच्छा आप हमीद साहब हैं? नहीं मैं ज़हीर अहमद अब्बासी बोल रहा हूँ। क्या नाम बताएं? ज़हीर अहमद अब्बासी। अच्छा अच्छा ज़हीर अहमद अब्बासी। जी जी सर। कहाँ से कॉल कर रहे हैं ज़हीर साहब? लोरा से। लोरा मरी में है ये? ये घोड़ा गली के नीचे है जी। अच्छा घोड़ा गली, ठीक है ठीक है। अच्छा बहुत खूबसूरत जगह से आप कॉल कर रहे हैं, तो बताएं फिर सर्दी का मौसम आपको लगता है कि इसमें आप तंग हो जाते हैं, डिप्रेशन आपको होती है? वो हम तो बर्फबारी में जी। अच्छा अभी बर्फबारी हो रही है वहां पे? रात को भी बहुत बर्फबारी हुई है। नहीं तो आपको लगता है कि सर्दी का मौसम आपको थोड़ा सा थका देता है, करने को कुछ दिल नहीं करता आपका, कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं सर्दी में बना जरा फ्रेश रहता है, गर्मी में बना थक जाते हैं। अच्छा सर्दी में आप फ्रेश रहने के लिए क्या करते हैं? आप बर्फ के अंदर जाके गोते मारते हैं, डुबकियां मारते हैं, या आप पहाड़ों पे हाइकिंग शाइकिंग करते हैं? हाइकिंग करते हैं जी। हाँ शिकार वगैरह भी हम करते हैं खरगोशों का। किस चीज का? खरगोश का। खरगोश? अच्छा खरगोश का आप शिकार करते हैं, ठीक है ठीक। अच्छा आपके इलाके में ऊपर चीते वगैरह होते हैं? चीते चीते वगैरह तो मरी के जंगलों में होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आप रजाई के अंदर हैं, कंबल के अंदर? बिल्कुल रजाई के अंदर हूँ, हीटर लगा हुआ है। रजाई के अंदर या रजाई के बाहर हीटर लगाओ? नहीं रजाई के अंदर हीटर नहीं लगा हुआ है, रजाई अच्छा, के बाहर लगा। अच्छा आपने सिर्फ रजाई ली है या रजाइयां ली हैं? रजाइयां। रजाइयां तो बहुत सी हो जाती है, अकेली रजाई है जी। अच्छा अक्सर एक बेटा ना अपनी माँ का इतना लाल होता है, सारे बच्चे लाल होते हैं, खासतौर पर मेरी अम्मा जी, जब मैं रात को सो रहा होता हूँ ना तो अब मैंने एक कंबल लिया, मैं अम्मी को दूसरा कंबल मत डालिएगा, दूसरा अच्छा अब्बा जी डाल देते हैं, फिर अम्मा जी गुजर रही है तीसरा अम्मा जी ने डाल दिया, फिर अगर बहन वगैरह कोई भाई में से यार उसको सर्दी लग चौथा कंबल डाल दिया, अब मैं सुबह उठता हूँ मेरे ऊपर पूरा एक ना एक तूफान कंबल मचा होता है, मेरे ऊपर कंबल ही कंबल, उससे निकलने में फिर मुझे बड़ी मुश्किल होती है। तो वो मोहब्बत में ऐसा करते हैं, लेकिन अक्सर बंदे को एक घुटन सी होने लगती है। बेशक सही कह रहे हैं। आप सलामत रहें, ठीक है? बड़ी मेहरबानी, गाने की फरमाइश है। केड़े आला मैंने बता सो? मेरा यार पिंडी दा है। ओ मेरा यार पिंडी दा राजा जी, मुझे अच्छा लगा। ठीक है ठीक है। ऑल राइट अल्लाह हाफिज। ते मैनु चूड़ चोक लासो। I mean, I don't know why I've got so very much association with Chood Chong, Rawalpindi. Though, you know, Rawalpindi is such a dear city to me. You know, I love this city. I love the streets out there. I love the craziness, the excitement out there. Pindi is such a city, you know. So, main aap log ke message shamil kar raha hu. अच्छा अगर आप लोग गाड़ियां चलाते हैं ना, तो गाड़ियां चलाते वक्त ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपकी गाड़ियों को ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। अक्सर मैंने ये भी देखा है बहुत से लोग ड्राइव करते हुए अपने बेटे या बेटी या बच्चों को ना अपनी गोद में बैठा देते हैं, तो मोहब्बत का इजहार करें, मोहब्बत उनसे करें, लेकिन सड़क के ऊपर ड्राइव करते वक्त यू शुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स ड्राइविंग एंड टुवर्ड्स रोड एज वेल। सो उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने बच्चों को अपनी मिसेज या घर वालों के साथ पीछे या आगे बैठा दें। और दूसरा ये कि गाड़ियां जब आपकी ओवरलोडेड होती हैं तो फिर एंड मुमकिन है कि आपकी गाड़ी सही तरह से परफॉर्म ना करे, एंड मुमकिन है कि आपकी ब्रेकिंग टाइम पे ना लगे, एंड मुमकिन है कि आपके जो साइड मिरर्स हैं, अब आपकी लेफ्ट साइड पे जो मिरर है उसके सामने, मतलब आपने दो बंदे इस सीट में बैठाए हुए हैं तो एक बच्चा आगे हो गया और फिर आपको मतलब वो ब्लॉकेज की वजह बन जाता है वो बंदा, तो आपको अक्सर शिकायत होती है और चलाने में गाड़ी चलाने में मसला होता है। सो जितनी उसकी कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है बंदे बिठाने की, उतने ही बंदे गाड़ी में बिठाए करें। अब अगर ये बात हमारी खालाओं और फुफियों को आप बताने की कोशिश करें ना, तो ऐसे रूठ जाती हैं कि पता नहीं, फिर कहती हैं कि गाड़ी क्या आ गई, बच्चा बदल गया है। अब आंटी जी, खाला जी, पप्पू जी, गाड़ी में चार पांच बंदे आते हैं, अगर आप इतने ज्यादा आने की कोशिश करेंगे तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएंगे। मुझे पता था ये बंदा बदल जाएगा, तो फिर इस तरह के जुमले मिलते हैं हमें। मैं आप लोगों के मैसेज शामिल कर रहा हूं, मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। ऑलराइट ऑलराइट। हम्म
अच्छा एनी इस्लामाबाद से, आई वाज डन विद योर कमेंट विद योर मैसेज मदीहा, हाय मुझे सर्दी अच्छी नहीं लगती, पूरा दिन सर्दी सर्दी, कोई काम ढंग से नहीं होता। मदीहा मुझे अच्छा लगा। इस्लामाबाद से मिसेस शाही, अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, मुझे ठंड लगती ही नहीं, मैंने अभी भी फैन ऑन किया हुआ है कसम से, चल झूठी, और सब कहते हैं तुम इंसान नहीं, हाँ हाँ हाँ, मुझे हर मौसम पसंद है बट मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा मिसेस शहीद, आप अपने इन अल्फाज पे दोबारा से गौर कीजिएगा, आपने ये लिखा है कि मुझे ठंड लगती ही नहीं, मैंने अभी भी फैन ऑन किया हुआ है कसमे, आई मीन दैट्स रियली अनबिलीवेबल। अब खांसी चुबाने के लिए कभी बिलीवेबल को बिलीवेबल और कभी बिलीवेबल बिलीवेबल हो जाता है। सलाम हनी भाई, आई एम मुस्कान फ्रॉम रावत भाई, मुझे सर्दियां बहुत अच्छी लगती हैं, धूप में वॉक करना अच्छा लगता है, मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी लगती है सर्दी, वो पूरा दिन बिस्तर में, अच्छा अच्छी नहीं लगती, वो पूरा दिन बिस्तर में गुजारती है। ऑलराइट, इसके बाद मुस्कान का मैसेज है, मोहम्मद शाहिद मीर का मैसेज है, रिमशा हुमेरा रावलपिंडी से, और नाजो का मैसेज है, ये मैं चलाऊंगा इन कमेंट्स के बाद, मतलब इन कमेंट्स और इसके बाद फिर जो अगला सॉन्ग चलाऊंगा, मतलब ये वाला गाना जो कि मेरे बैकग्राउंड में चला हुआ है, ये चलाने के बाद। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव योर फेसबुक कॉमेंट्स, facebook.com/ITPFM, ये ऑफिशियल फैन पेज है। सो वी हैव योर कॉमेंट्स, वी हैव योर कॉमेंट्स, ऑलराइट, गिव इट अ होल्ड, गिव इट अ होल्ड। अच्छा दानिश और मेरे जितने सारे सुनने वाले जो मोहब्बत में बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं, आप लोग काइंडली एक ही एक तफसीली कमेंट कर दिया करें, क्योंकि मुझे फिर ये कमेंट्स के ऑर्डर को या ऑर्डर के मुताबिक पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, सो एक जामे पैगाम, एक तफसीली पैगाम या कमेंट अगर आप भिजवा देंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। आदिल खान हमारे साथ हैं, आप तारीफ कर रहे हैं, वही दवासी सलाम हानी भाई, क्या जादू किया है, एंड सल आप कह रहे हैं कि फोन नहीं लग रहा। तेरी खैर, गाना खत्म हो गया, गाना खत्म हो गया, गाना खत्म हो गया, यहां से चलाना है। ऑलराइट, सो वी हैव योर कमेंट्स, इसको तरतीब में करते हैं यहां से। ऑलराइट, सो देन वी हैव योर कमेंट्स, हमीद अब्बासी मेरी तरफ से, राजेश फाग, महमूद मोहम्मद क्या लिखा है, महमूद नजीर साहब और वही अब्बासी को सलाम। ठीक है, देन वी हैव मैविश अली हसन, और प्रोफाइल पिक्चर में मेरा शहजादा बेटा है, थैंक्स आपने तारीफ की, बेटे का नाम अगर आप बता दी तो अच्छा होता है, क्यूटी है, ही सो वेरी मच क्यूटू। मैविश अली हसन दोबारा से, किस तरह किसी से मोहब्बत कर लूं, मुझे अपने बेटे से ज्यादा कोई प्यारा नहीं लगता, नेचुरल, गुड इनाफ, गुड इनाफ, गुड इनाफ। सलाम टू ऑल, आदिल खान है और लिसनर्स को सलाम के बाद कह रहे हैं आवाज अच्छी है, हमीद अब्बासी है, कॉल नहीं लग रही, लग जाएगी। हुस्नाबासी, मैं सर्दियों में डिप्रेस नहीं होती, बिकॉज मुझे सर्दियां पसंद है, आई थिंक जो चीज अच्छी लगती हो अच्छी लगती है, और मैं एक्टिव रहती हूँ सर्दियों में बहुत। ऑलराइट, सो फॉर नाउ दैट्स इट। ऑलराइट, सो गाना चेंज करते हैं, इस तरह करते हैं, ये गाना चलाते हैं, लेट्स गिव इट अ क्लिक, ये अच्छा वाला गाना है, आई यूज टू प्ले दिस सॉन्ग वेरी ऑफन इन सम वेरी ओल्ड शोज ऑफ माइंड, एंड स्पेशली आई यूज टू यू नो वाइंड अप माई शो विद दिस सॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम।
It's a good one. नाइन थ्री सिक्स टाइम चेक है. इसके बाद आखिरी सेशन होगा आप लोगों के मैसेजेस कमेंट्स और लाइव कॉल्स के लिए 0519263184. अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM एंड टू फाइंड मी ऑन फेसबुक जस्ट टाइप HANIBROADCASTER. दिस इज हाउ यू गाइस कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल हानी ब्रॉडकास्टिंग हानी ब्रॉडकास्टर एंड बाय टाइपिंग हानी ब्रॉडकास्टिंग यू गाइस कैन कम अक्रॉस माय चैनल ऑन यूट्यूब. डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन. 937 फन हाईवे दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव. What a song. Thank you so much. Gab sunne wale hamare saath hain. 939 time check. This is going to be the last session for your live calls, for your messages and comments as well. सुनने वाले से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि सर्दी का मौसम happens to be a very depressing मौसम for you? क्या आप इस मौसम में डिप्रेस हो जाते हैं? You feel that emptiness inside you. You feel that laziness inside you. You feel that I don't know, so many things. You feel very cold और आपको लगता है कि days are very short. तो उस वजह से हमसे कोई काम या किसी काम ने होना नहीं है तो बेहतर यही है कि हम सोए रहें. So अगर ऐसा है तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं. Hello. वालेकुम अस्सलाम. प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिएगा. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन बात कर? सही बादशाह बात कर रहा हूँ. नाम क्या बताएं? सही बादशाह. ठीक है सखी बादशाह, ये बताएं सर्दी का मौसम आपको लगता है कि मुश्किल मौसम है या आसान मौसम है? नहीं आसान मौसम है. आसान क्यों? क्यों आप क्यों? क्या आप सर्दी में काम नहीं करते या आपने बिस्तर से नहीं उठते? इस वजह से आसान लगता है? नहीं हम सर्दी में काम करते हैं. अच्छा तो आप सख्त काम करते हैं इस वजह से आपको सर्दी नहीं लगती? सख्त काम करते हैं हम, ड्रम का लोडिंग करते हैं. अच्छा 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 ठीक है. और कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक है करक से. अच्छा चलें ठीक है, मुझे अच्छा लगा मेरे भाई. ठीक है
چلے اللہ حافظ. کرک سے میرے بھائی شامل رہے لیکن اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. میں لائف کال دے رہا ہوں, بیک ٹو بیک لائف کالز, بیک ٹو بیک. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام حمید صاحب. بڑی گل ہے جی, کال لگ گئی. مطلب اتنی آپ نے دیر کر دی نا کہ میں کنڈی لگانے لگا تھا. نہیں نہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں دروازہ بند کرنے لگا تھا. حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن پھر مجھے رضوان لوگوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا ویٹ کر لو, حمید صاحب آتے ہی ہوں گے. جی وہ اصل میں کال کر رہا تھا, فیض آباد سے آگے جا نہیں, ٹھنڈ تھی, میرا کار کو ٹھنڈ لگ رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں سمجھا آپ چور چوک سے آتے ہیں نا, تو وہاں پہ رش ہونے کی وجہ سے شاید آپ رش میں پھنس گئے ہوں گے. فیض آباد نزدیک ہے. آلرائٹ ٹھیک ہے. امیر صاحب بتائیں, سردی کا موسم آپ کو لگتا ہے کہ ڈپریشن ہوتی ہے اس موسم میں, تھوڑا بھاری بھاری لگتا ہے؟ رحمان بھائی مجھے تو سردیاں بہت اچھی لگتی ہیں. پتا ہے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے ایک تو کیا 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 بتائیں, رنگ اس کا چٹا ہو جاتا ہے. صحیح ہے صحیح ہے, چٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آگے بتائیں, آگے بتائیں. اور اس کے بعد کھانا پینا جو ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے, کھایا پیا صحیح جاتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہ کھایا پیا جاتا ہے, بس پانی سے گزارا بس. دوسرا ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو فیلڈ ہے نا ورکنگ کام کی میرے کی, وہ سردیاں بہت سوٹ کرتی ہیں, اس لیے کہ میرا کام جو ہے نا تو سردی کا ایک اور بھی فائدہ ہے. کیا کیا وہ فائدہ؟ یہ ہے گرمی میں ہم سب اکٹھے نہیں ہوتے نا, سردی میں یہ ہوتا ہے نا سب دھوپ میں اوپر بیٹھ کے. اچھا اسی لیے میں یہ بات کرتا ہوں حمید صاحب کہ سردیوں کا موسم جو ہے نا اسے میں کہتا ہوں قربتوں کا موسم. حمید صاحب مجھے اچھے لگتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اسی طرح سے آتے رہا کریں, اور آئندہ آپ نے رش میں پھنسنا نہیں ہے. مجھے پتا ہے فیض آباد آپ گنڈیریوں والے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں, گنڈیریاں چوسنے کا آپ کو بہت شوق ہے. میں چاچی کو بتاؤں گا کہ اس عمر میں بھی گنڈیریاں چوسنے ہیں, دانت انہوں نے سارے خراب کر دیے ہیں, میٹھی چیزیں کھاتے ہیں, املیاں یہ کھاتے ہیں, چورن کھاتے ہیں. میں چاچی کو بتا رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے, اور ٹریفک میسج جی میسج دیں آپ, میسج دیں. ٹریفک میسج سر یہ ہے, دوران ڈرائیونگ آپ موبائل کا استعمال نہ کریں. موبائل مکال تو پھر بھی ہو سکتی ہے مگر زندگی بار بار نہیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا, بالکل ایسا. سلامت رہیں, پاکستان مجھے اچھا لگا. پاکستان پائندہ باد حمید عباسی ہمارے ساتھ شامل رہے. 944 ٹائم چیک ہے. I'll be entertaining 2-3 more live calls. After that, I'll be moving towards your messages and then some comments and then wind up. Hello. Assalamu alaikum, Anil bhai. Walaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain? Anil bhai, main Asim Hussain baat kar rahe hain. Baat kar gaon Kharan Numaira. Achha. Kaise hain aap, theek hain? جی اللہ کا شکر ہے, دو تین ماہ بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل بالکل, مجھے تھوڑا بہت یاد ہے. اس ٹائم میں آپ کے مونچھیں تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہیں, اب تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں. صحیح جی جی بالکل. اچھا بتائیں سردی کا موسم آپ کو لگتا ہے کہ ڈپریسنگ ہے, تھوڑی ڈپریشن ہو جاتی ہے, بھاری بھاری لگتا ہے اپنا موسم؟ بہت اچھا لگتا ہے لیکن سستی بہت ہو جاتی ہے. ہاں سستی بہت ہو جاتی ہے. سورج نکلتا ہے تو کہتے ہیں یار ابھی 7 ہوئے ہیں, تھوڑی دیر بعد 8 ہوئے گا نا تو پھر جو ہے نا یہ کام کرے گا. 8 ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں 9 بجے, 9 ہوتے ہیں تو بیچے, بیچ میں جو ہے نا 12 ہو جاتے ہیں. ہاں اب مطلب کسی لڑکی کی بات چل رہی ہے, نکاح کا ٹائم ہے, سردی لگی ہوئی اس کو ہے, اب سردی لگی ماں جی اور سارے لوگ کھڑے جی سرانے پہ, اس طرح سر کے اوپر کھڑے, بھائی بیٹا تمہارا نکاح ہو رہا ہے, کل اٹھ جاؤں گا, ابھی مجھ سے اٹھ نہیں, سردی ہے نا. مطلب یہ بات صحیح ہے, انسان اتنا لیزی ہو جاتا ہے نا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اب اتنی اس سے زحمت نہیں ہوتی کہ بھائی یہ لائٹ آف کر دے یار, اتنا اس سے نہیں ہوتا کہ یہ دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھ جائیں, تو یہ لیزی لیزی لمحے تو ہیں, ہم سب لوگوں کے ساتھ ہیں. تو کچھ لگتا نہیں ہے کوئی حل ہونا چاہیے اس کا؟ سستی جو ہے نا ختم کرنی پڑے گی. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اندر جو ہے نا اس کا طریقہ آپ ہی بہتر. ہاں یہی ہے اس کا طریقہ, میرے پاس اگر ہوتا تو میں خود اتنا سست نہ ہوتا. اینی وے مجھے اچھا لگا, آتے رہا کریں آپ, ٹھیک ہے؟ اینی بھائی جی جی, نذیر کیانی صاحب ہو گئے.
ठीक है, राजेश पाक साहब को और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलाम करे। वालेकुम अस्सलाम, आपकी तरफ भी सलामती का पैगाम, मुझे अच्छा लगा। 946 टाइम चेक है, दिस इज हानी, मैं बुध और जुमेरात को आता हूँ, वक्त कम है, टाइम ज्यादा है, वक्त कम है। अरे इसी तरह कहता हूँ मैं इसी तरह कहता हूँ तो क्या। वालेकुम अस्सलाम, कश्मीरी कैसे, करम अल्लाह का, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? तो रावलपिंडी से राहुल, लेकिन कश्मीरी कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, बताएं सर्दी का मौसम आपको लगता है कि डिप्रेशन होती है इसमें, डिप्रेसिंग लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि काफी चीजों से जान छूटी जाती है, गर्मी में मच्छर मक्खियां काम करते हैं, सर्दी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा वैसे सर्दी के मौसम में ये मच्छर कहाँ मर जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, गर्मी में क्यों हमें सताने के लिए आ जाते हैं? बस गर्मी होती है तो उनको भी हुआ है, तो आज उनके लिए जैकेटें बनी नहीं है इसलिए वो आते नहीं। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि मच्छर भी कंबलों में घुस जाते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सब ठीक है, हालात आपकी तरफ? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, आपका शो बड़ा अच्छा, काफी बार कॉल ट्राई किया तो कभी लगती है कभी लगती नहीं ना। हाँ चले चले, आप आ गए देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, मुझे अच्छा लगा आपका आना। ठीक है, चले अल्लाह हाफिज, तमाम को सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक, और ये जो है ना आपके रिजवान भाई, ठीक है, इनसे कहें कभी कभी कॉल भी कर लिया, वो सॉरी क्या करें प्रोग्राम कर लिया करें, बड़ी अच्छी आवाज है। रिजवान फारूक की बात कर रहे हैं या रिजवान बशीर की? रिजवान बशीर। हाँ रिजवान बशीर, रिजवान बशीर की इतनी अच्छी आवाज है, उस दिन मेरे सामने कोई गाना गुनगुना रहे थे। हाँ जी, मतलब मैंने उनको मुंह पे कह दिया, भाई ये रिजवान है, इतनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, इस आवाज को गाना गा के जाया मत करो। अच्छा हाँ, मतलब इतनी अच्छी आवाज है, मैंने कहा अपने अंदर पेट में ही रखो ना आवाज को। अच्छा मुझे अच्छा लगा, पेट का दर्द हो जाता है। मुझे अच्छा लगा भाई, आप सलामत रहें। ठीक है जी, आप भी सलामत रहे, पूरी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई शामिल रहे। ऑलराइट, क्या करें क्या करें, वन मोर लाइव कॉल, आखिरी सेशन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? वाजिद खान, एडवोकेट इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। वाजिद, ठीक है आप, हालात अच्छे हैं? जनाब अल्लाह का करम, आप सुनाएं सर। करम अल्लाह का, करम अल्लाह का। आप ये बताएं, सर्दी का मौसम आपको लगता है कि मुश्किल मौसम है या आसान है? सर सर्दी का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, खास तौर पर हमारे मुल्क के, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मियों में तो आपको पता है बिजली तो होती है नहीं। अच्छा, तो इस वजह से सर्दी में टेंशन नहीं होती है? टेंशन नहीं होती, बिजली हो या ना हो, बस रात को रजाई लेके बस सो जाओ, सुबह बंदा फ्रेश उठते। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। और गर्मी में आपको पता है मच्छर, ऊपर से बिजली भी ना हो तो बस पे तो बहुत खाता खराब होते। अच्छा, खाता खराब होते। एनीवे, मुझे अच्छा लगा आप आखिर में आए हैं, आते रहा करें आप। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, प्रोग्राम में शुरू से। अच्छा अच्छा, मेरे भाई आप खुश रहें, डेरा मनना खुशहाल हो से। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, मेरे भाई शामिल रहे। शामिल कर रहा हूँ 4471 टेक्सटिंग आईडी। आई होप कि जितने सारे लोगों ने पुराने सफर हमें सुना, उनका सफर अभी तक बहुत अच्छा सफर साबित हुआ, एंड आई एम श्योर कि उनका सफर आगे भी उनके लिए एक अच्छा सफर साबित होगा। सो 4471 टेक्सटिंग आईडी है। मजीद लाइव कॉल्स में नहीं ले रहा, तो जितने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं आप लोग ट्राई मत करें। मिस्टर शहीन, आई वॉज डन विद योर मैसेज, सलाम हानी भाई, मुस्कान आपका हो गया था। ठीक है, DCI से मोहम्मद, DCI का मुझे मतलब नहीं पता, मोहम्मद शाहिद मीर जट एंड ब्रदर मोहम्मद अकरम मीर जट, भाई क्या हाल है, प्रोग्राम अच्छा है, और क्या लिखा है भाई, प्रोग्राम के लिए कुछ सिंधी बोलना सीख लो, तुंजो नालो छाए ते तुंजो पियो जो नालो छाए, हे ओ बकरो हे ओ किताब, यू नो दीज आर जस्ट दोस फ्यू थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन सिंधी। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। आई एम रिमशा फ्रॉम रावलपिंडी, वेलकम बैक, आई एम लिसनिंग टू योर शो विद मच जॉय। और सर्दी पसंद है मुझे इन अच्छा, और बहुत ज्यादा सर्द मौसम में आप क्या कह रही हैं कि सारा दिन बिस्तर पे गुजारती हूँ और खामोशी में उन सब लोगों को सोचती हूँ जो मुझे पसंद है। आई थिंक ठंड में सब लोगों को वो करना चाहिए जो उनके लिए एक्साइटेड या एक्साइटिंग हो, और एक्साइटमेंट में सर्दी नहीं लगती। हाँ, ये वैसे आपने सही बात की है, या आपने ऐसी बात कर दी है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, सो जितना भी ठंडा मौसम, नो मैटर हाउ सिवियर दिस कोल्ड इज, यू आर नॉट गोना फील इट, प्रोवाइडेड दैट यू आर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड।
All right, I'll get done with the remaining part of her message. और हाँ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक इज नाइस, आई लव इंग्लिश सॉन्ग्स, और आपस की बात है, इंग्लिश सॉन्ग्स समझ कम ही आते हैं. सही है, सही है, सही है. हुमैरा रावलपिंडी से सलाम, मुझे कह रही है, क्या हाल है भाई, आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा है और अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे, बस ये गला थोड़ा सा ठीक हो जाए, कम करनी पड़ेगी, आप हमेशा खुश रहें. हानी प्लीज मेरा सॉन्ग प्ले कर दें, नाजो G14 से, नाजो नाजो, ठीक है. एनी इस्लामाबाद से, भाई योर वॉइस इज सो नाइस, सलाम टू नाजो. आप भी हमीर अबासी भाई, आज आप कहां गुम, आई डोंट नो. फातिमा खान, सर्दी लड़कियों का पसंदीदा मौसम होता है क्योंकि स्किन केयर के लिए और मेकअप खराब नहीं होता. अच्छा, हाउ प्रैक्टिकल फातिमा, मुझे अच्छा लगा. बासित सलीम हमारे साथ हैं, आप पाकिस्तान आर्मी में होते हैं, रावलपिंडी में इस वक्त मौजूद हैं. ठीक है, आपको सर्दी गर्मी हर मौसम अच्छा लगता है. अच्छा, राजा फरीद हमारे साथ रावत से हैं, खरीद दरियाफ करते हैं प्रोग्राम. आपका प्रोग्राम अच्छा नहीं है क्योंकि आप लोगों की फरमाइश के गाने नहीं प्ले करते, आप ये कहना चाह रहे हैं. राजा फरीद, मैं माजरत हुआ हूँ, बिल्कुल मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे आपकी पसंद के गाने ढूंढने में मसला होता है. दैट इज द ओनली रीजन कि मैं आप लोगों के गाने नहीं चला सकता. ठीक है, और कोई मसला नहीं है, यकीन कीजिएगा, मेरा कुछ जाता नहीं है, ना मेरा कोई बिल आता है. आपकी मर्जी के गाने भी मैं चला सकता हूँ, लेकिन मुझे मिले तो तब ना. Alright, मैं देखता हूं अगर मुझे आगे कोई और मजीद कमेंट्स नजर आते हैं तो फिर मैं कर लेता हूं. और दोबारा से मैं ये कहूंगा, जितने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बराए मेहरबानी आप एक तफसीली कमेंट में अपना पूरा पैगाम लिख के उस कमेंट में भेज दिया करें, कमेंट पोस्ट कर दिया करें, क्योंकि ये हाय हेलो क्या हाल है या ना, इस तरह मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. हनाना बासी, मेरी सिस्टर सुन रही है, उनको सलाम. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, उनको आपका सलाम पहुंच चुका है. हमदुल्ला मलखेल हमारे साथ हैं, हयात मलखेल, हकीमत, एजाज और सनाउल्ला मलखेल उनके साथ हैं. और हनानाबासी कह रहे हैं, सलाम कैसे हैं आप, करम अल्लाह का, मैं खैरियत से हूं. देन आई एम लुकिंग फॉर सम मोर कॉमेंट, हमीद अबासी डन विद योर कॉमेंट, वहीद अबासी डन विद योर कॉमेंट. और राइट, क्या हो गया भाई इसको. Adil Khan, done with your comment. That's it. No more live calls, no more messages, and no more comments. Yehi aaj ka program tha. Ah, what a song. All right. To find me on Facebook, just type HAANIBROADCASTER. हानी ब्रॉडकास्टर यही लिख के आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी तलाश करना है. इफ यू गाइस वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टू फाइंड माय चैनल ऑन यूट्यूब, जस्ट टाइप HAANIBROADCASTING. प्रोग्राम में कहीं पे कोई कमी गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत हुआ हूँ. इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की, सांसों में भर गई, तो मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल यानी कि जुमेरात को इसी वक्त, यानी कि शाम के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. हानि को इजाजत दीजिएगा, खुश रहें, दूसरों की खुशियों का बाइस बनते रहें. दाई आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा. खुदे बामान, लव यू ऑल एंड शुभम बख़ैर. तू नशे की तरह मुझ में उतर गई, कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा. बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा. बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा.
बंजारों की तरह आवारों की तरह।